हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? वेलकम टू द सेशन। चलिए, बहुत ही बढ़िया। हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो। चलिए, जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे यहाँ पे बैठे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जाओ और जाके अपने जितने भी ग्रुप्स में जहां भी ऐड हो वहां सब जगह बोल दो कि मैम आ चुके हैं। और डाइजेशन का ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि जो डाइजेस्टेड फूड था वो कहाँ कहाँ किस चीज का हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में एब्जॉर्प्शन होता है, किस तरीके से उनका एब्जॉर्प्शन होगा, किस फॉर्म में होगा, और ये जो पूरा का पूरा डाइजेशन हो रहा है ये प्रोसेस, इसको कंट्रोल हॉर्मोनली कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। राइट? यानी कि अब आपके दिमाग की पूरी क्या है, वो बोलते हैं ना उसको, तार वो खुल जाएंगे कि हाँ, अब हमें पूरा डाइजेशन समझ में आ गया। अब किसी भी जगह कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कोई डाउट नहीं रहेगा। और डाइजेशन का कल होगा हमारा लास्ट क्लास, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेशन के डिसऑर्डर, जितने भी डिसऑर्डर रिलेटेड है वो सभी डिस्कस करेंगे। विटामिन्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो कल हमारा डाइजेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से, कोई क्वेरी आपकी नहीं रहेगी। और उसके बाद में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसका हमने कल क्या किया था, रिविजन लिया था, अब उसका क्या होगा, प्रैक्टिस पेपर होगा। और फिर हम स्टार्ट करेंगे साथ में नया चैप्टर फ्रॉम द प्लांट फिजियोलॉजी। हम प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर लेंगे पैरेलल, एक चैप्टर ह्यूमन से, एक चैप्टर प्लांट से, ऐसे करते हुए हम पैरेलली बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ताकि हमारा सिलेबस अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाए। राइट? यस। चलिए, गुड आफ्टरनून बच्चा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कैसे हैं सभी? बहुत बढ़िया, बहुत मजे में। गुड आफ्टरनून प्रतीक, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून अध्या। चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यही एब्जॉर्प्शन एंड जो डाइजेशन है फूड का, वही हम पढ़ने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अभी देखिए, कुछ जरूरी जानकारी, बहुत जरूरी है ये बात करना। नीट यूजी के लिए जुलाई के अंदर कुछ कॉम्बो ऑफर आए हैं, जहां पर आपको यहां पर जो है पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा आपको यहाँ पे? ओनली 59,999 रुपीज एक साल के लिए, अगर आप कोड अप्लाई करते हैं व्यास, ठीक है? तो ये आपके आइकॉनिक बैच का चार्जेस है। अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पे करने पड़ेगा फॉर 1 ईयर 50,000, अप्रोक्स 50,000 आपको जो है वो पे करना पड़ रहा है, 49,999 रुपीज आफ्टर 10% डिस्काउंट, जब आप कोड अप्लाई करेंगे उसके बाद में। ये देखिए, नए कुछ बैचेस हैं जिसमें है आपके नर्चर बैच, और देखिए स्टार फैकल्टी है आप लोगों के लिए अवेलेबल, ज्वाइन कर सकते हो इनको। ये है आरोहन बैच, आप इसे भी ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 2022 के बच्चों के लिए है। संजीवनी बैच, ये 22 एंड 23 के बच्चों के लिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोड अप्लाई करना पड़ेगा व्यास। ये है देखिए अतुल्य बैच, 2022 के लिए, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? और देखिए, जितने भी स्टूडेंट हैं 2021 के लिए फाइनल, अगर आप चाहते हैं कि आपका क्या हो, रिवीजन हो, मॉक टेस्ट हो, तो उसके लिए आप फ्री में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में। और ये सभी मेंटर एंड गाइड आप लोगों के लिए वहां पर अवेलेबल रहेंगे। यस, तो जितने भी बच्चे हैं वो जुड़ सकते हैं। 15 डेज टॉप एजुकेटर्स आपके लिए अवेलेबल हो रहे हैं। और देखिए, अनअकैडमी ऑफ फाइनेंशियली भी आपको असिस्ट कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं 22 एंड 23 में नीट को क्रैक करना और आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, तो अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हो, वो आपकी मदद करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करें आज का हमारा सेशन फटाफट से। जितने भी स्टूडेंट हैं, गुड आफ्टरनून बिट्टू, गुड आफ्टरनून एलिना, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो देखिए, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ा, पूरा ट्रैक पढ़ा, उसके बाद में हमने ग्लैंड्स पढ़ी, ग्लैंड्स के बाद में डाइजेशन कहाँ पे, कौन कौन से एंजाइम कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है, वो सारी जानकारी अभी हमें मिल गई है, ठीक है? नाउ अभी जो डाइजेस्टेड फूड है, अभी हमारी कहानी कहां पे आएगी, अब जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है ये कैसे एब्जॉर्ब होता है, हमारे दिमाग का क्वेरी यही रहता है कि अब ये कैसे एब्जॉर्ब होगा, कहां किस चीज का एब्जॉर्प्शन होगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं ना डाइजेशन के लिए, अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज तो रहती है, ये चीज आपके क्लियर है दिमाग में, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, आप इसको याद रखेंगे, ये क्या है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये वो पोर्शन होता है जहां पर हम बोलते हैं कि मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन जो है वो कहां होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है।
आपका अब्सॉर्प्शन फूड का स्टार्ट हो जाता है, फूड का अगर हम बोले डाइजेशन जैसे स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी से, वैसे ही चीजों का अब्सॉर्प्शन, चाहे वो हम बोलते ड्रग्स हो, क्योंकि आप लोग लेते बहुत सारी चीजें हो ना, आप वाटर भी पी रहे हो, ठीक है, आप जूसेस वगैरह भी ले रहे हो, कुछ आप डिजोल्व कंडीशन में फूड डायरेक्टली ले लेते हो, मिल्क आप लेते हो, आप ड्रग्स दवाइयां वगैरह भी आप लेते हो, कुछ ऐसे भी हैं जो एल्कोहल जो है वो लेते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने पेट में डालते रहते हो। अभी आपने अपने पेट को क्या समझ के रखा है, डस्टबिन समझ के रखा है कि भैया हम जो पेट में डाल देंगे हमें तो स्वाद से मतलब है, बाकी कहानी तो डाइजेस्टिव ट्रैक अपने आप कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा, यस। तो हम क्या बोल रहे हैं, डाइजेशन जो प्रोसेस होने के बाद एब्जॉर्प्शन जो है वो आपको मैक्सिमम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलेगा। और जो ये बात सब लोग बोलते हैं ना कि हाँ भैया फास्ट फूड देखा और खा लिया, अभी पचाने का काम तो हमारे पेट का है, वो जाने उसका काम जाने, तो इससे तो ये चीज समझ में आ गई है कि डाइजेशन जो हो रहा है या फिर डाइजेशन के बाद जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है इस पे कौन कंट्रोल कर रहा है, इस पे आपकी बॉडी जो है वो कंट्रोल कर रही है, आप तो नहीं करवा रहे हैं, इसका मतलब आपके एब्जॉर्प्शन पे और आपके डाइजेशन पे और उसके एसिमिलेशन पे, इन सभी चीजों के ऊपर किसका कंट्रोल है, आपके अंदर बॉडी में जो प्रेजेंट हॉर्मोन है या फिर आपका जो न्यूरल सिस्टम है, ये दोनों मिलकर यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर डाइजेशन करवाने का काम कर रहे हैं और आपके एंजाइम को सिक्रेट करवाने का काम कर रहे हैं, कभी उनको बंद करवाने का काम कर रहे हैं, सारा काम जो है वो कंट्रोल में है, किसके, न्यूरल कंट्रोल में है, आपके हॉर्मोन्स के कंट्रोल में है, ठीक है। तो न्यूरल कंट्रोल भी होगा, न्यूरल कंट्रोल होगा तो कैसे होगा, तो देखो सबसे पहली चीज न्यूरल कंट्रोल के बारे में यहां एक बात बता दें, एक लाइन बता दें, उसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे। न्यूरल कंट्रोल के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे हमने प्लेक्सस पढ़े थे स्टमक के अंदर, हमने बोला था ना कि सॉरी नॉट स्टमक, हमने हिस्टोलॉजी के टाइम पे पढ़ा था, हमने बताया था आपको कि यहां पे क्या होते हैं प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं, वो जो प्लेक्सस क्या करते हैं न्यूरल कंट्रोल करते हैं, ऑर्बेक और मिशनरी प्लेक्सस दो मैंने बताए थे आपको, जो पेरिस्टलिस मूवमेंट जो है उनको कंट्रोल कर रहे हैं, जो मूवमेंट करवा रहे हैं उनके अंदर, और सब म्यूकोसा रीजन के अंदर क्या करवा रहे हैं सिक्रीशन करवा रहे हैं, यानी यहां पे न्यूरल कंट्रोल तो उन प्लेक्सस के अंडर में है, बिल्कुल है। हार्मोनल कंट्रोल हम यहां पे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एब्जॉर्प्शन पढ़ लेते हैं कि भैया एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो बक्कल कैविटी के अंदर हमारा स्टार्ट हो गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम होता है। एब्जॉर्प्शन करने के लिए क्या क्या चीजें हैं, अगर आप ये देखोगे तो एब्जॉर्प्शन करने के लिए आपके पास में अमीनो एसिड है, जिनको आपको क्या करना है अब्सॉर्ब करना है, क्योंकि ये डाइजेस्टेड फूड है आपका, आपको अब्सॉर्ब करना है तो किसको करना है, ग्लूकोज को करना है। ग्लूकोज के जैसे ही और जितने भी हम बोलते हैं कि आपके मोनोसेकेराइड है, कौन कौन से हैं, एक आपका गैलेक्टोज है जिसको आपको क्या करना है अब्सॉर्ब करना है, एक आपका फ्रक्टोज है इसको भी आपको अब्सॉर्ब करना है, आपके अंदर जो विटामिन है उन विटामिन को भी अब्सॉर्ब करना है, फैटी एसिड है इसको भी आपको अब्सॉर्ब करना है, ग्लीसरोल है, ग्लीसरोल को भी एब्जॉर्ब करना है, राइट। ये सारी चीजें हैं जिनको एब्जॉर्ब करना है। इसके अलावा अगर एब्जॉर्प्शन देखो तो किसका होगा, वाटर भी तो आप पी रहे हो, वाटर इंटेक हो रहा है उसका भी एब्जॉर्प्शन होना है, अल्कोहल अगर कोई लेता है तो उसका भी एब्जॉर्प्शन होना है, इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आप लेते हो जैसे कैल्शियम गया है, क्लोराइड गया है, ये सभी जो भी हैं ये सब जाते हैं जब एलिमेंट्स जितने भी हैं, इन सबका भी एब्जॉर्प्शन जो है वो होना होता है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर ही, ठीक है। दवाइयां लेते हो तो ड्रग्स जो है उनका भी एब्जॉर्प्शन होना है, तो ये सारी चीजें हैं जिनका आपको एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड है ये भी टूट जाएंगे तो शुगर ही मिलेगी आपको, पेंटोज शुगर मिल जाएगी, नाइट्रोजन बेस मिल जाएगी, तो इन सभी का क्या होना है एब्जॉर्प्शन होना है। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, हर एक मॉलिक्यूल का, अभी बात सुनेंगे मेरी, मैंने एक ब्लाइंड बोल रही हूं, जितने भी मॉलिक्यूल हैं जो एब्जॉर्ब होने हैं उन सभी का एब्जॉर्प्शन सेम तरीके से नहीं होता, सबका अपना अपना मोड है, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल अपनी प्रॉपर्टी के केस में सब में अलग है। ऐसा नहीं है अगर सबकी प्रॉपर्टी सेम होती तो फिर वो एक ही तरह का मॉलिक्यूल ना हो जाता, जैसे कि आप और मैं, हम दोनों की प्रॉपर्टी अलग है कि नहीं है। आप जो स्टूडेंट हो आप लोगों का अलग कहानी है, आप लोग तो चैट बॉक्स में स्पैमिंग करना पसंद करते हो, आप लोग फालतू का टाइम वेस्ट करना पसंद करते हो, लेकिन मैं नहीं करती, मेरी इंडिविजुअलिटी है। तो आपकी जो मैम है डॉक्टर पूजा व्यास, वो चाहती है कि मैक्सिमम एनर्जी जो मेरी है वो किसी क्रिएटिव काम में लगे, तो मैं क्या करती हूँ पूरा दिन पढ़ाने में, आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर करने में, आप लोगों के लिए क्विज करवाने में, मैं इन सभी चीजों में, इफ हम बोलते हैं ना कि प्रोडक्टिव वर्क करने में लगी रहती हूँ, तभी तो इंडिविजुअलिटी आती है, मेरी अपनी कहानी तुम्हारी अपनी कहानी। तो वैसे ही जितने भी मॉलिक्यूल है उन सबकी अपनी अपनी कहानी, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, सब अपने तरीके से ही क्या होंगे एब्जॉर्ब होंगे यहां पर, ठीक है, सब अपने तरीके से ही एब्जॉर्ब होंगे। यस मैम आना शुरू हो गया, वेरी गुड, जब ये ऐसा आता है तो मजा आता है। तो चलिए एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं तो कहां एब्जॉर्प्शन होता है सबसे पहली चीज, और किस किस प्रकार से एब्जॉर्प्शन हो सकता है।
सकता है। तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस, ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो ये प्रोसेस है जिसका हम बोल रहे हैं एंड प्रोडक्ट जो डाइजेस्टिव फूड है उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो कहां पे एब्जॉर्ब होता है, तो ये आपके इंटेस्टिनल म्यूकोसा जो है यहां से एब्जॉर्ब होगा और कहां जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड में जाएगा या फिर लिम्फ के अंदर जाएगा। अब यहां पे जो ये जाने का पूरा प्रोसेस है ये तीन तरीके से हो सकता है, सुनेंगे मेरे को, ये तीन तरीके से हो सकता है। कौन कौन सा मोड है इनका, हम बोल रहे हैं ये पैसिव हो सकता है, ये एक्टिव हो सकता है, ठीक है, तो दो मोड तो यही हो गए। एक और हम यहां पे बोल रहे हैं कि यहां पे अगर पैसिव हो रहा है तो वो फैसिलिटेट भी हो सकता है, फैसिलिटेट भी हो सकता है। अभी देखो सारी चीजों को हम समझेंगे, पैसिव क्या है, एक्टिव क्या है, फैसिलिटेट क्या है और इनको क्या तय करके जाना है उसको भी हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ चीजें हम लोग यहां पर आपको बता दें, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, यहां बताते हैं। तो देखो हमने बोला पहले मैं सेल बना दूं, ये आपका इंटेस्टिनल ट्रैक है, ठीक है, ये मैंने ट्रैक बना दिया, ठीक है। अब इस ट्रैक के अंदर मैं क्या बोल रही हूं आपको, यहां पे इसकी लाइनिंग, अभी मैं लाइनिंग के लिए यहां पे पूरा वो फोल्ड जो क्रिएट होता है वो फोल्ड नहीं बना रही हूं मैं, फोल्ड जो उस फोल्ड को नहीं दिखाऊंगी, मैं सिर्फ लाइनिंग बता के आपको बताना चाहती हूं कि यहां पर जो है वो इंटेस्टिनल जो आपकी सेल्स होती है जिनको आप क्या बोलते हो, एंटेरोसाइट सेल बोलते हो, वो एंटेरोसाइट सेल है, ठीक है। और फिर देखो इसके नीचे क्या है, इसके नीचे आपकी वही ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड वेसल्स है। तो ये मैंने अपने ही तरीके का एक डायग्राम बनाया है सिर्फ आपको सिचुएशन को समझाने के लिए कि वहां क्या हो रहा होगा, ठीक है, मैं सिर्फ अपने तरीके का डायग्राम बना रही हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है जहां पे डाइजेस्टेड फूड है, तो यहां पे आपका वो डाइजेस्टेड फूड है जिसको एब्जॉर्ब होना है, ठीक है। ये आपकी वो लाइनिंग है, ठीक है, लाइनिंग है कौन सी, एपिथीलिया, ये एपिथीलिया है, ये बिल्कुल ये आपकी एपिथीलियम है जो लाइनिंग बना रही है आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक की, और ये है आपकी ब्लड वेसल। अभी देखो अगर कोई भी फूड है, कोई भी फूड है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एब्जॉर्ब होना है, तो वो एब्जॉर्ब कहां हो रहा है, वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा रहा है, लेकिन उसको पास किसको करना पड़ेगा, देखो वो जब एब्जॉर्ब होगा यानी वो जाएगा तो उसको पहले तो जाना पड़ेगा मेम्ब्रेन जो है उसको क्रॉस करना पड़ेगा, वो मेम्ब्रेन किसकी है, वो मेम्ब्रेन है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जो उसकी लाइनिंग बना रही है उन एपिथीलियल सेल की क्या है, वो मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और फिर उसके बाद में अपने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए उनको ब्लड वेसल्स के अंदर जाना पड़ेगा, तो यानी कि ब्लड वेसल्स की जो वॉल है उसको भी ये क्रॉस करके कहां आएंगे, ब्लड के अंदर आएंगे, यहीं पे तो एब्जॉर्ब हो रहे हैं ना, यहीं इकट्ठे हो रहे हैं आपके, फिर ब्लड क्या कर रहा है, उसको ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है दूसरे टिश्यूज के पास में। तो देखो उसका एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि उनको आपकी लाइनिंग की जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके जाना है, देन फिर वापस से उसी मेम्ब्रेन की, उसी की जो सेल है उसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए उनको किस में जाना है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाना है। ब्लड स्ट्रीम के अंदर खुद के अंदर भी एपिथीलियम की लाइनिंग है पूरी की पूरी, तो ये उसको क्रॉस करके पहुंचेंगे कहां पे, ब्लड पे, तो उसको कितनी सारी चीजों को क्रॉस करके पहुंचना है। तो यहां पर आप क्या देखते हो, कोई भी जो सेल होती है, अगर मैं किसी भी इंडिविजुअल सेल के बारे में बात करूं तो मैं क्या बोलती हूं कि सेल जो होती है वो किसकी बनी है, सेल मेम्ब्रेन है, चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर हमें देखने को मिलती है कई तरह की प्रोटीन, कई तरह की हमें क्या देखने को मिलती है, प्रोटीन देखने को मिलती है, और बीच बीच में ये जो और यहां पे मैंने जो एरिया छोड़ दिया है ये एरिया किसके लिए है, ये लिपिड के लिए है, क्योंकि प्रोटीन तो आपको इंटीग्रेटेड देखने को मिलती है, अंदर धसी हुई है और कुछ जो है वो लाइनिंग पूरी बाई लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है, तो कुछ ये कंडीशन है। तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनको क्या करना पड़ेगा, इनको पास करके साइटोप्लाज्म के अंदर जाना है, बिल्कुल, चाहे वो ग्लूकोज हो, गैलेक्टोज हो, फ्रक्टोज हो, एमिनो एसिड हो, कोई भी हो, उनको इनको क्रॉस करके जाना है। तो इनको जब अंदर एंट्री और इनकी एग्जिट ये आपको देखनी पड़ेगी कि कैसे हो रही है, क्योंकि ब्लड में जाना है ना इनको, तो इनकी एंट्री और इनकी एग्जिट कैसी हो रही है तब जाके ये ब्लड में एंटर करेंगे। तो ये चीज, ये मेन कहानी है यहां पे। तो यहां पर तीन तरीके से हमने बोला कि हो सकता है एब्जॉर्प्शन, अगर एक्टिव हो रहा है, अगर एब्जॉर्प्शन कैसा हो रहा है, अगर मैं ये बोलूंगी कि एब्जॉर्प्शन जो है वो कौन सा है, एक्टिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो यूज करेंगे किसी प्रोटीन को, वो यूज करेंगे किसी प्रोटीन को जाने के लिए, प्लस साथ में वो एटीपी को भी यूज करेंगे इस प्रोसेस के अंदर। तो ऐसा जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको हम बोलते हैं कैसा एब्जॉर्प्शन है, वो आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, अंदर एक्टिवली एंटर किया है। अगर मैं आपको बोलूंगी कि पैसिव जा रहा है तो आप क्या बोलोगे, पैसिव अगर जाने का केस होगा तो इसका मतलब वो डायरेक्टली वहां पे क्या कर रहा है, जा रहा है, एंटर कर रहा है, सिंपल डिफ्यूजन कर रहा है, आप ये बोल सकते हो कि डिफ्यूजन हो रहा है, किसी एटीपी को यूज नहीं कर रहा। लेकिन अगर ऐसा ही पैसिव मोड जिसके अंदर मैं बोल रही हूं फैसिलिटेट है, फैसिलिटेट है, इसका मतलब वो क्या करेंगे, प्रोटीन यूज करेंगे जाने के लिए, कैरियर प्रोटीन को आपको यूज करेंगे, बट यहां पर किसी तरह की एटीपी यूज नहीं करेंगे, तो वो क्या हो गया, वो फैसिलिटेट हो गया यहां पे ट्रांसपोर्टेशन, वो फैसिलिटी उन्होंने ले ली है, ठीक है। तो एक्टिव हो सकता है, पैसिव हो सकता है, फैसिलिटेट हो सकता है। फैसिलिटेट का मतलब प्रोटीन यूज करेंगे, होगा तो वही डिफ्यूजन, अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, होगा तो वही, लेकिन प्रोटीन को यूज करते हुए होगा। एक्टिव के केस में ये क्या करते हैं,
हैं, एक्टिव के केस में ये प्रोटीन भी यूज करते हैं और एटीपी को भी यूज करते हैं। तो इतनी कहानी क्लियर है आपको। राजेंद्र कुमार, फोटो पीरियड को यहां मत लेके आओ, अभी बॉटनी नहीं है, हम लोग जोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो जहां पे जिस टॉपिक के बारे में बात हो वहीं पे टाइम वेस्ट करो। चलिए, तो ये इतनी चीज समझ में आ गई। यस मैम दे दो फटाफट से, जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं यस मैम दे देंगे। जी मैम, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले बात करेंगे हमारे सबसे, वो बोलते हैं ना कि जो हमारा चीप सोर्स है, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारा चीफ सोर्स है, जो हमारा मेन सोर्स है एनर्जी का, वो होता है आपके अंदर शुगर। और शुगर हमने यहाँ पे डाइजेस्ट की तो हमें क्या मिला, मोनोसेकेराइड मिला। याद रखेंगे क्या मिला, मोनोसेकेराइड मिला। मोनोसेकेराइड में हमें क्या मिले, हमें ग्लूकोज मिल सकता है, गैलेक्टोज मिल सकता है और फ्रक्टोज मिल सकता है। तीन चीजें मिल रही है। तो देखो तीनों चीजों के बारे में बता दें, ग्लूकोज मिल रहा है हमें, गैलेक्टोज मिल सकता है और इसके अलावा हमें एक और चीज क्या मिलेगी, फ्रक्टोज जो होता है वो फ्रक्टोज हमें मिल सकता है। तीन हमें यहां पे मिल रहे हैं, लेकिन इनका ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग है। फ्रक्टोज तो आपका क्या करता है, ये जो आपका फ्रक्टोज है ये तो सिंपली डिफ्यूज करेगा, लेकिन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज क्या करते हैं, तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो होते हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अब इस चीज को समझ लेंगे, अब इस चीज को समझाएं। तो देखो ये मैं बना रही हूं सेल मेम्ब्रेन, ये मैं बना रही हूं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? और ये मैंने बना दी प्रोटीन, ठीक है? प्रोटीन बना रही हूं, ये बीच बीच में प्रोटीन है। अब इसको ना आप लोग स्टोमेटा मत समझ लेना। तो ये आपके क्या है, फास्फोलिपिड की बाई लेयर है। मैं उस लेयर को भी बता देती हूँ, ये आपके फास्फोलिपिड की बाई लेयर है, ये लीजिए, बना दिया मैंने, ठीक है? ये बना दिया। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो आपका ग्लूकोज होता है और आपका जो गैलेक्टोज है, यहां से क्वेश्चन बच्चा आया है, वो चाहे यहां पढ़े चाहे आप कहीं और पढ़े, क्योंकि पूरा प्लांट फिजियोलॉजी एनिमल फिजियोलॉजी में है ना, ये हर चीज हर जगह आती है, लेकिन आपको क्या कर दिया जाए, कहीं पे भी कनेक्ट करने को बोले ना तो कोई चीज कनेक्ट ही नहीं हो पाती। इसलिए अब हर जगह पढ़ा रहे हैं हम इस चीज को, ताकि आपके दिमाग में कोई क्वेरी ना रहे। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो है दोनों का क्या हो रहा है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जब एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है तो इसको आप क्या बोलते हो कि यहां पे एनर्जी को यूज करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन है दैट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। आप बोलोगे ये क्या है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन है। अब इस चीज को समझेंगे क्या है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्चुअल में सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन, ये सोडियम एंड पोटेशियम पंप होता है जो आपके मेम्ब्रेन के अंदर देखने को हमें मिलता है। सोडियम एंड पोटेशियम आयन जो होते हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो पोटेशियम आयन तो क्या करते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं, और सोडियम आयन जो है वो अंदर की तरफ, सोडियम आयन जो है ये आपका अंदर की तरफ आ गए। ये लीजिए, ये पोटेशियम गया, ये सोडियम मैंने बना दिया यहां पे सोडियम। तो ये सोडियम क्या हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, बिल्कुल। सॉरी ये उल्टा मैंने लिख दिया, सॉरी वापस यहां पे लिख देते हैं। ये लीजिए, ये गया बाहर, ये आया अंदर, ठीक है? तो ये देखिए हुआ क्या, ये सोडियम जो है ये तो जा रहा है बाहर, और ये पोटेशियम जो है ये आ रहा है अंदर। ऐसा कहानी है, पोटेशियम अंदर की तरफ आ रहा है, सोडियम बाहर की तरफ जा रहे हैं। जब ये प्रोसेस होगा ना तो इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने एटीपी को यूज किया, ये एटीपी को यूज करेंगे। और दोनों का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है, पोटेशियम अंदर की तरफ आ रहा है, सोडियम बाहर की तरफ जा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, एंटीपोर्ट। ये क्या है, एंटीपोर्ट, अलग डायरेक्शन के अंदर, दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। एंटीपोर्ट यहां पर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, सोडियम अंदर आएंगे, सोडियम बाहर जाएंगे, पोटेशियम अंदर आएंगे, ऐसी कहानी है। तो बाहर क्या हो जाएंगे, सोडियम मिलेंगे आपको, सोडियम आपको बाहर मिलेंगे, क्योंकि सोडियम जो है वहां पे बाहर आ गए। अब क्या होगा, अब आपके जो ये सोडियम होते हैं ये भी अंदर एंटर करेंगे, और इसके साथ में ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज भी साथ में एंटर करेगा। लेकिन एनर्जी तो यहां पे काम में आ गई, इस प्रोसेस में एनर्जी तो यहां पे काम पे आ गई है, और आपका सोडियम एंड ग्लूकोज दोनों सिम्पोर्ट मूवमेंट करते हैं, सिम्पोर्ट, और दोनों साथ साथ क्या करेंगे, अंदर अंदर की साइड में जो है एंटर करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, सोडियम एंड पोटेशियम का मूवमेंट। पोटेशियम जो है वो अंदर की तरफ आया है आपका, सोडियम बाहर की तरफ गया है, सोडियम बाहर की तरफ गया, एटीपी को यूज करेगा, सोडियम बाहर क्या करेगा, अब ग्लूकोज के साथ में मिलकर अंदर एंटर करेगा। तो सोडियम एंड ग्लूकोज जो है दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट हो रहे हैं, अंदर की तरफ आएंगे, सिम्पोर्ट मूवमेंट बोलेंगे। और एनर्जी देखो यहां पर जो यूज हुई है ये क्या है, एनर्जी आपकी फर्स्ट कंडीशन के अंदर यूज में आ गई, तो इसको हमने क्या बोला, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो जब आपको ग्लूकोज के बारे में और गैलेक्टोज के बारे में बोला जाता है तो बोलते हैं इनका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। और कई जगह आपको लिखा होता है कि ग्लूकोज का जो मूवमेंट होता है अंदर की तरफ वो किसके साथ
साथ होता है, तो लिखा जाता है सोडियम आयन के साथ में होता है। तो वो कैसे होता है ये देखो, वो एक्चुअल में क्या है, वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन में पोटेशियम आयन क्या करेंगे, पोटेशियम आयन तो अंदर आते रहेंगे, सोडियम जो है बाहर जाएंगे। दो सोडियम, अगर हम बोले दो पोटेशियम अंदर आ रहे हैं तो तीन सोडियम बाहर जा रहे हैं, ऐसा होता है। दो अंदर आएंगे पोटेशियम के, तीन सोडियम बाहर जाएंगे। तो वो सोडियम आयन क्या करेंगे, अब ग्लूकोज के साथ में एंटर करेंगे, सिम्पोर्ट मूवमेंट हो जाएगा। तो एनर्जी तो यूज हो गई थी फर्स्ट कंडीशन के अंदर ही, सेकंड कंडीशन पे उस पर डिपेंडेंट है, तो आपने इसको क्या बोल दिया, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन आपने बोल दिया। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो है उसका क्या होता है, उसका होता है आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है कपल्ड विद द सोडियम आयन। सोडियम आयन के साथ में मिलकर ये ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज अंदर की तरफ मूवमेंट करते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट है, अंदर आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिम्पोर्ट। ये क्या है, सिम्पोर्ट है, ठीक है। तो ये चीज भी आप पढ़ोगे, यहां पे भी पढ़ रहे हो, प्लांट फिजियोलॉजी आएगा ना वहां पे भी आप इस चीज को पढ़ोगे। तो अभी समझ लो आपकी सेल के अंदर ऐसा हो रहा है। और दूसरी चीज देखो, हमने क्या बोला, अब जो ये आ गया है किसमें आया, ये एब्जॉर्ब हो गया किसके अंदर, आपके इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा लेयर है, उसकी जो एपिथीलियम है, उस एपिथीलिया के अंदर जो है ये आपका ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एंटर कर गया। लेकिन अब उसको किसमें जाना है, अब उसको ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाना है। तो ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए अब वो क्या करेगा, अब यहां पर फैसिलिटेट डिफ्यूजन कर देगा। फैसिलिटेट डिफ्यूजन का मतलब अब यहां पर जो है उसको किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा अपने हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, लेकिन यूज करेगा किसको, प्रोटीन को। तो ग्लूकोज के केस में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, तो देखिए ग्लूकोज का जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन भी होता है और फैसिलिटेट डिफ्यूजन भी होता है, ऐसा हम बोलते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हुआ, बिल्कुल एब्जॉर्प्शन हुआ है सोडियम आयन के साथ में, और उसके साथ में हम क्या बोल रहे हैं, जब वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा रहा है, ब्लड की जो हम बोलते हैं ना कि लाइन है, जो उसकी ब्लड की वेसल्स है उनके अंदर जब वो एंटर कर रहा है, तब वो क्या करता है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन करता है। तब वो क्या करेगा, केवल प्रोटीन को यूज करेगा, एटीपी को यूज नहीं करेगा। तो वहां पर सिंपली अगर आप बताना चाहो तो आप कैसा बोल सकते हो कि सिर्फ ये प्रोटीन है जो प्रेजेंट है और ग्लूकोज जो है वो किधर चला जाएगा, आपके हम बोलते हैं ग्लूकोज का जो मेन स्ट्रीम है उसके अंदर एंटर कर जाएगा। तो इस तरीके से फैसिलिटेट डिफ्यूजन भी हो रहा है और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है। फैसिलिटेट डिफ्यूजन कब हो रहा है, जब वो आपकी जो लाइनिंग है उस लाइनिंग से ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगा, डिफ्यूजन प्रोसेस करेगा सिंपली। और जब भी वो आपके स्टमक की जो ट्यूब है, डाइजेस्टिव ट्यूब की जो आपकी बोलते हैं कि ल्यूमन है, उस ल्यूमन से जब वो एंटर करेगा लाइनिंग के अंदर, तब वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका होगा, और वो भी कैसा होगा, सोडियम के साथ में होगा। तो ये हो गया किसके बारे में बात, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के बारे में बात। अब बोलोगे कि फ्रक्टोज का क्या होता है, तो फ्रक्टोज के केस में तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सीधा फैसिलिटेट डिफ्यूजन करेंगे। ये क्या करेंगे, फैसिलिटेट डिफ्यूजन करेंगे हर केस के अंदर। अगर इनको इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में आना है तो ये सिंपल डिफ्यूजन करके आपका फैसिलिटेट डिफ्यूजन करके अंदर आ जाएंगे, एंड देन फैसिलिटेट डिफ्यूजन के थ्रू ही ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर भी एंटर कर जाएंगे। तो पहुंच गए ब्लड के अंदर, तो ग्लूकोज भी पहुंच गया, गैलेक्टोज भी पहुंच गया, और फ्रक्टोज भी पहुंच गया। दोनों के अंदर डिफरेंस सिर्फ फ्रक्टोज के अंदर आया है कि फ्रक्टोज तो फैसिलिटेट डिफ्यूजन से ही लाइनिंग के अंदर एंटर कर रहा है, और यहां पे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है आपकी एपिथेलियल सेल्स के अंदर आते हैं, पर जाते टाइम निकलते टाइम फैसिलिटेट डिफ्यूजन ही लेंगे। एंट्री एटीपी के साथ हुई ग्लूकोज की, एग्जिट केवल प्रोटीन के साथ हुई, एटीपी को यूज नहीं किया, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये किसका हो गया, ट्रांसपोर्ट आपका एब्जॉर्प्शन हो गया ग्लूकोज गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज को हो गया। सिंपली अगर मैं वाटर का बोलूं तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के थ्रू होता है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, जब कोई मॉलिक्यूल है लाइक वाटर है, सॉल्वेंट है जो हमारा, ये अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ग्रेडियंट हम क्या बोलते हैं कि जब दो एरिया है, दो जगह है, उनके बीच में उनकी कंसेंट्रेशन में कोई डिफरेंस हो, और वो डिफरेंस कब हो सकता है, जब एक के पास ज्यादा दूसरे के पास में कम हो। फॉर द एग्जांपल के लिए आपका भाई और आप दोनों लोगों के अंदर, अगर मैं चॉकलेट बांटू, आपके भाई को मैं दे दू 5 और आपको दू मैं 1, तो आप दोनों के बीच में क्या है, एक ग्रेडियंट डेवलप हो गया। वो ग्रेडियंट क्या है, वो कंसेंट्रेशन का ग्रेडियंट है, उसके अंदर डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो 4 चॉकलेट का डिफरेंस आ रहा है। तुम्हारे भाई को मैंने दी है 5 और तुम्हें मैंने दी है 1, तो 4 चॉकलेट यहां पे एक्स्ट्रा है तुम्हारे भाई के पास में। तो कंसेंट्रेशन के अंदर डिफरेंस कितने का आया, 4 चॉकलेट का आया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। इस ग्रेडियंट को अगर ब्रेक करना होगा तो क्या करोगे, हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ लोगे। यानी तुम्हारे भाई के पास में 4 चॉकलेट है तो तुम उसको क्या बोलोगे, 2 चॉकलेट तो मुझे दे दो। जब 2 चॉकलेट तो मुझे दे दोगे तो तुम्हारे पास भी 3, मेरे पास भी 3, ग्रेडियंट जो है अब कहां हो गया, ऑप्टिमम है ना, दोनों तरफ से बैलेंस हो गया,
ऐसी कंडीशन में। तो ग्रेडियंट को ब्रेक करने के लिए क्या होता है, ये मूवमेंट होता है हायर से लो की तरफ। तो वाटर का भी मूवमेंट हो रहा है हायर से लो की तरफ, ठीक है, कहानी को समझेंगे, हायर से लो की तरफ। लेकिन ऑस्मोसिस क्यों बोला, क्योंकि यहां पे सेल मेम्ब्रेन जो है बीच में दरार है, उसके थ्रू होके जाना पड़ेगा। तो तुम दोनों भाई बहन भी अगर हो तो तुम दोनों ऐसे इतने आसानी से, तुम्हारा भाई तुम्हें वो चॉकलेट नहीं देगा, वो ग्रेडियंट ब्रेक नहीं होगा जब तक कि तुम्हारी मम्मी का चपेड़ उस पर ना पड़े। तो तुम्हारी मम्मी क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, जो क्या कर रही है, उस ग्रेडियंट को ब्रेक करवा रही है, दो चॉकलेट तुम्हारे भाई से लेकर तुम्हें दे रही है, तब बराबर बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ऐसे होता है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो होता है उस पे डिपेंड करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या बोल रहे हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब वो वाटर का एब्जॉर्प्शन आपके स्टमक में भी हो रहा है, एरिया याद कर लेंगे, वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां कहां हो रहा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन आपके स्टमक में भी हो रहा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन आपके इंटेस्टाइन में भी हो रहा है, स्मॉल में भी हो रहा है और लार्ज में भी हो रहा है, ठीक है, सब जगह वाटर का एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आपका फिकल मटेरियल जो होता है ना, उसमें वाटर कंटेंट कम होने की वजह से वो सॉलिडिफाई हो जाता है, वो सॉलिड होता है जब वो निकलता है। अगर नहीं देखा है तो जाके बाथरूम में अबकी बार देख लेना। चलिए, तो समझ में आ गई इतनी कहानी, चलिए इतनी कहानी समझ में आ गई है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अमीनो एसिड पे, एमिनो एसिड। अभी एमिनो एसिड जो है ये कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, एमिनो एसिड के बारे में बात करें, तो भैया एमिनो एसिड क्या है, ये आपका प्रोटीन जब टूटता है, प्रोटीन जब टूटता है तो किसमें बदलता है, एमिनो एसिड के अंदर बदलता है। तो प्रोटीन का कोई डाइजेशन आपकी बक्कल कैविटी में तो नहीं हुआ, स्टमक में हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हुआ है। तो ऑब्वियस ही चीज है कि यहां पर इनके एब्जॉर्प्शन जो है वो कहां पे होगा, स्टमक में भी होगा और आपके इंटेस्टाइन में भी होगा, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, एमिनो एसिड के फॉर्म में हमें मिल रहे हैं ये, लास्ट हम बोलते हैं ना मोनोमर यूनिट जो है प्रोटीन की, दैट इज एमिनो एसिड। अब इनका कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन, तो सेम जैसे कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का हुआ, सेम वैसे ही होगा। मेम्ब्रेन बना लो और यहां पर इस तरह से इसको याद कर लो, कैसे किया कि पोटेशियम आपका अंदर आया, सोडियम आपका बाहर गया, दैट इज सिम आपका एंटीपोर्ट, एटीपी को यूज किया, सोडियम आयन बाहर है, ये एमिनो एसिड को पकड़ेंगे, कहेंगे चलो भैया चलो चलो अभी हम एंटर करेंगे, कहां पे, हम दोनों ही अंदर चलेंगे हमारी लाइनिंग में। और ये आपकी क्या है, ये आपकी लाइनिंग है, ये वो एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल सेल है जो कि लाइनिंग बना रही है आपके इंटेस्टाइन की। तो ये एपिथेलियल सेल के अंदर उसके साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे, चले गए साइटोप्लाज्म में, अब क्या करेंगे भैया, अभी तो इनको और रास्ता तय करना है, अभी तो इनको ब्लड स्ट्रीम में एंटर करना है, ब्लड कैपिलरीज में जाना है। तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर ये कैसे जाएंगे, ये सीधा फैसिलिटेट डिफ्यूजन करके पहुंच जाएंगे, प्रोटीन को यूज करेंगे विदाउट एनी एटीपी, ये सीधा एंटर करेंगे किसके अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो भैया इसको एंटर करके यहां पहुंच गए, ये लीजिए मैम ने रास्ते में आगे पहुंचा दिया इसको, आगे मत पहुंचाओ मैम, ये क्या कर रहे हो, ब्लड स्ट्रीम के अंदर रखो, ब्लड स्ट्रीम में रखो भैया, ये लो, ये हमने इसको ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर दिया। तो ये जो अंदर गए हैं ये किसके थ्रू हुआ है, ये आपका डिफ्यूजन हुआ है यहाँ पे, डिफ्यूजन, और कौन सा वाला है, फैसिलिटेट, फैसिलिटेट डिफ्यूजन यहां पर हुआ है, एफडी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। तो कहानी ग्लूकोज गैलेक्टोज एंड एमिनो एसिड की एकदम सेम है, जैसे ग्लूकोज जाएगा वैसे गैलेक्टोज जाएगा और वैसे एमिनो एसिड जाएगा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये विद सोडियम आयन, ठीक है, क्लियर है ये कहानी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हो गया आपके प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन, हो गया आपके शुगर का एब्जॉर्प्शन, अब बच गया लिपिड, लिपिड कैसे अब्सॉर्ब होगा, कहानी आती है लिपिड पे, लिपिड कैसे अब्सॉर्ब होगा, एक एक चीज बता रहे हैं बच्चा, एक एक चीज, जहां पे भी क्वेश्चन आएगा ना वहां पे राइट आंसर कर सकते हो अगर पूरा अच्छे से समझोगे। अभी देखो हमें जब फैट जो होता है हमारा, हमारा जो लिपिड है उस लिपिड के ऊपर कैसे काम होता है कि लिपिड जो है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल पे तोड़ा जाता है, जब उस पर काम करता है कौन, बाइल सॉल्ट जो काम करते हैं, तो बाइल सॉल्ट करते हैं तो क्या बना देते हैं, छोटे छोटे इस तरह के इमल्सीफाई कर देते हैं फैट को, छोटे छोटे ऐसी बोल बना देते हैं, छोटी छोटी बोल्स बना देते हैं। और ये बोल बनती कैसे, अगर मैं इसके चारों तरफ बाइल सॉल्ट बना दूं तो मैं रेड कलर में बाइल सॉल्ट जो है वो शो कर दूंगी, ये लीजिए ये बाइल सॉल्ट जो है इसके ऊपर चिपक के इनको छोटा छोटा बना दिया, ऐसा ही होता है। सॉल्ट अगर आप डालते हो पानी, आप देखते हो ना कि झाग हो जाते हैं सॉल्ट की वजह से, तो वैसे ही सॉल्ट की वजह से क्या हो गए, ये जो लिपिड है इनके अंदर भी झाग जैसे छोटे छोटे क्या हो गए, बुलबुले हो गए। ये बुलबुले क्या है, ये बुलबुलों को हम क्या बोलेंगे, मिसेल्स, इनको हम क्या बोलेंगे, मिसेल्स जो है इनको बोलेंगे। अब देखो ये मिसेल्स जो है ये फॉर्म बन गई किसकी है, येलो कलर जो मैंने शो किया दैट इज लिपिड, इमल्सीफाई लिपिड है, सोल्यूबल फॉर्म में उनको लाया गया है, और उनके चारों तरफ रेड कलर में जो है वो क्या है, बाइल सॉल्ट। तो उनको छोटे छोटे बबल्स के अंदर उन्होंने बना दिया। लेकिन ये कहानी जो है ना ये होगी, लेकिन यहाँ पे याद रखो कि एक एंजाइम भी होता है जिसका नाम होता है लाइपेस,
ठीक है, यहाँ पे जो है लाइपेज सीक्रेट हो रहा है, तो वो लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज तो हर तरह का है, हर जगह हो रहा है, गैस्ट्रिक लाइपेज भी है, ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे जो आपके पैनक्रेटिक लाइपेज आएगा वो बहुत अच्छे से काम कर लेगा। पैनक्रेटिक लाइपेज क्या करेगा, इनको तोड़ेगा, तोड़ेगा तो क्या मिलेगा हमें, हमें एक तो मिलेंगे फैटी एसिड मिलेंगे, और दूसरे हमें मिलेगा क्या, ग्लिसरॉल जो है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। तो जो भी फैटी एसिड शॉर्ट साइज के होते हैं, छोटे छोटे साइज के जो हमारे फैटी एसिड है, वो तो क्या हो जाएंगे, हमारी सिंपली जो हमारी एपिथेलियल सेल है उनको क्या कर लेगी, डिफ्यूज कर लेगी, सिंपल डिफ्यूजन उनका हो जाएगा, और सिंपल डिफ्यूजन की वजह से फिर वो आगे आपके ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी। तो ऐसा नहीं कह रहे, तो फैटी एसिड जो शॉर्ट चेन वाली फैटी एसिड होती है, फैटी एसिड का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन की चेन, हाइड्रोकार्बन की चेन। अब कोई छोटी हाइड्रोकार्बन की चेन है तो वो तो आसानी से क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन जो बड़ी हाइड्रोकार्बन की चेन होगी वो आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। तो उनका एब्जॉर्प्शन जो है थोड़े अलग तरीके से होगा, उनका एब्जॉर्प्शन थोड़े अलग तरीके से होगा, तो उसको हम समझेंगे। पहले शॉर्ट चेन वाला याद रख लेंगे कि जो शॉर्ट फैटी एसिड की चेन होती है वो सिंपली इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल में डिफ्यूज हो जाती है और सीधी ब्लड कैपिलरीज में चली जाएगी। तो क्या हुआ है यहाँ पे, इनका सिंपल डिफ्यूजन याद रखेंगे, सिंपल डिफ्यूजन यहां पर हुआ है, सिंपल डिफ्यूजन हुआ है किसका, शॉर्ट फैटी एसिड चेन का। लेकिन बात करो बाकियों का, बाकियों का क्या होगा, जो हमारी लॉन्ग फैटी एसिड चेन है या फिर हमारे पास में जो ग्लिसरॉल है, इनका क्या होगा, क्योंकि फैट एक्चुअल में क्या होता है, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल, ये पानी के अंदर घुल नहीं पाता। घर के अंदर देख लो, पानी लो और उसके अंदर तेल डाल दो, तेल घुल पाता है, पानी के अंदर नहीं घुल पाता, तो ये डिजोल्व नहीं हो पाते। अगर डिजोल्व नहीं होंगे तो आसानी से एब्जॉर्ब भी नहीं हो सकते, है ना, ताकि आसानी से ब्लड के अंदर पहुंच जाए, तो ब्लड के अंदर आसानी से ये नहीं पहुंच पाएंगे। तो इनका एब्जॉर्प्शन थोड़ा अलग तरीके से होगा। तो ये जो लॉन्ग फैटी एसिड चेन है और ये ग्लिसरॉल जो है, ये क्या बनाती है, ये आपकी शॉर्ट ड्रॉपलेट्स, जिनको हमने मिसेल्स बोला था, ये मिसेल के फॉर्म में रहती हैं। ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो मैंने आपको बताई थी, ये मैं बना देती हूं फिर से, ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं जो किससे बनी है, ये ड्रॉपलेट बनी है आपकी बाइल की वजह से और आपके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये है इनमें फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अगर कोई विटामिन है जो फैट सोल्यूबल होता है तो वो भी इनके अंदर होगा, याद रखेंगे। तो यहां पे क्या है, इसके अंदर एक्चुअल में आपका ग्लिसरॉल है, ठीक है, आपके लॉन्ग फैटी एसिड जो चेन होती है वो लॉन्ग फैटी एसिड चेन भी है, और अगर कोई फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कैसे होते हैं, फैट सोल्यूबल, तो वो विटामिन जो है वो भी इसके अंदर होंगे। तो फैट सोल्यूबल विटामिन, ग्लिसरॉल एंड लॉन्ग फैटी एसिड चेन, इस तरह के छोटे छोटे मिसल्स जो है फॉर्म कर लेंगे। नाउ ये मिसल्स जो है ये एंटर करेंगे किसके अंदर, इंटेस्टिनल म्यूकोसा, यानी कि एपिथीलियल। तो एपिथीलियल की लाइनिंग बनाए, ये देखिए इंटेस्टाइन के अंदर बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है भैया, इंटेस्टाइन की एपिथीलियल लेयर है, ये लीजिए एपिथीलियल लेयर है, बना देते हैं, ये एपिथीलियल लेयर है, बना दी। तो ये जो एपिथीलियल लेयर है इनकी, ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है इनकी, ये सारी की सारी सेल है। तो ये क्या करेंगे, सीधे एंटर कर जाएंगे आपके इसकी एपिथीलियल लाइनिंग में। तो होगा क्या इनका, मिसेल्स का, इनका होता है सिंपल डिफ्यूजन। जब इस केस में, इस स्ट्रक्चर में आ जाएंगे तो सिंपल डिफ्यूजन, यानी अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगे और चले जाएंगे किसके अंदर, आपकी इंटेस्टाइन की जो एपिथीलियल की लाइनिंग है उनकी सेल के अंदर गए हैं। अभी तक तो पहुंचे कहां है, यहां देखो इस सेल के अंदर पहुंचे हैं, अभी तक ये अंदर और अंदर एंटर नहीं किए, अभी ये ब्लड के अंदर या लिम्फ के अंदर नहीं गए, अभी केवल साइटोप्लाज्म के अंदर आ गए। अब अगर मैं यहां से, अब अगर मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अगर मैं यहां से इस पोर्शन को थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दूं और मैग्नीफाई करूंगी तो मुझे क्या नजर आएगा, मुझे सेल नजर आने लगेगी। ये लो भैया मैग्नीफाई कर दिया, ये मुझे सेल नजर आ रही है, सेल बना दिया मैंने, ये लीजिए। अब सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर ये एंटर कर गए, मान लीजिए ये एंटर कर गए, आपकी डिफ्यूजन ही हुआ ना, चलो 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 रास्ता खुला है और घुस जाओ, घुस गए भैया घर के अंदर। लेकिन घर में तुम घुस गए हो तो अंदर घर में कौन बैठे हैं, लोग तो बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, वो तुम्हें तोड़ मोड़ भी सकते हैं, बेवजह बिना परमिशन के घुस गए तो तुम्हें तोड़ मोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल। इनके पास में क्या है, इनके पास में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पर ये कौन सा वाला है, स्मूथ ईआर, ये स्मूथ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या करता है ये, लिपिड को सिंथेसाइज करता है। तो ये जो फैटी एसिड और आपके जो ग्लिसरॉल आए हैं इनको ये वापस से मॉडिफाइड कर देंगे और इनको बना देंगे क्या, वापस से ट्राइग्लिसराइड बना देंगे। ट्राइग्लिसराइड मैंने आपको बताया था, ऐसा ग्लिसरॉल जिसके अंदर क्या है, तीन फैटी एसिड जुड़े होते हैं, तीन फैटी एसिड जुड़े होते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, यानी लार्ज साइज का मॉलिक्यूल फिर से बना दिया। तो जब ये क्या करेंगे, इनको, इन लिपिड को लेके, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू आपके ट्राइग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये ट्राइग्लिसराइड में अगर कन्वर्ट हो गया तो मैं क्या बताऊंगी, ये लीजिए मैं बना देती हूं, प्रोटीन की आउटर कवरिंग है
और इसके अंदर क्या है, लिपिड है आपके ट्राइग्लिसराइड। तो इस तरह के मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएंगे। अब इन मॉलिक्यूल की नेमिंग करें, ये बाहर की तरफ तो क्या है, प्रोटीन है, और ये अंदर की तरफ क्या है आपके, अंदर की तरफ आपके ये ट्राइग्लिसराइड जो है, ये है ट्राइग्लिसराइड, जो ब्रेकडाउन के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि लिपिड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होते हैं, देन डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड एंड देन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर टूट जाते हैं। तो इन्होंने वापस से लार्ज साइज के मॉलिक्यूल बना दिए। तो स्मूथ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करती है, उसको क्या मिल गया, उसको तो रफ का वो मिल गया, साधन मिल गया बनाने के लिए कि भैया लार्ज साइज का मॉलिक्यूल बनाओ, तो बना दिया। तो ये जो प्रोटीन एंड ट्राइग्लिसराइड है, ये जो ये मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन, काइलो माइक्रोन। ये जो काइलो माइक्रोन है, ये आपके अब जाएंगे किसके अंदर, लिम्फ के अंदर। ये आपके लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं जो यहां पर प्रेजेंट होती है। मैं इसको बना दूं यहां पे, ये लीजिए लिम्फेटिक वेसल बना दी। अब लिम्फेटिक वेसल के साथ में यहां पे तो क्या है, लिम्फेटिक वेसल के साथ में यहां पे तो ब्लड वेसल्स भी हैं। चलिए चलिए, क्या हो गया, लिम्फेटिक वेसल के साथ में हम यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे तो ब्लड वेसल्स भी हैं। ये रेड कलर में ब्लड वेसल बना दी है, और ये ग्रीन कलर के अंदर हम यहाँ पे लैक्टियल जो है उसको बना देते हैं, लैक्टियल भी है। तो ये देखो आपका एंटर नहीं कर पाएगा, ये जो आपकी ये ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर तो नहीं जाएगा क्योंकि इनका साइज होता है बड़ा, लेकिन ये जो लैक्टियल होती है इसके अंदर ये एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो आपका ये जो काइलोमाइक्रोन है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अब बनाया है मॉडिफिकेशन करके, ये काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में आपके लैक्टियल के अंदर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। यस, तो सिंपल डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन होगा, सिंपल डिफ्यूजन से मिसल्स एंटर करेंगे आपकी एपिथीलियम की लाइनिंग के अंदर। एंटर करने के बाद में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनको मॉडिफाइड कर देगा, उनको वापस से ट्राइग्लिसराइड बना देगा, बड़े साइज के फैट मॉलिक्यूल्स बना देगा, और ये जो फैट ग्लोब होते हैं बड़े साइज के, इनको हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन, और ये काइलोमाइक्रोन ही है जो लैक्टियल के अंदर क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लैक्टियल के अंदर ही एब्जॉर्ब होंगे। अब यहां पे याद रखना है कि जब ये लैक्टियल में एब्जॉर्ब होंगे ये काइलोमाइक्रोन, तो ये ब्लड के अंदर तो नहीं जा सकते क्योंकि साइज बड़ा है, लेकिन ये जो एक्टिविटी होती है सेल मेम्ब्रेन की, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। तो ये काइलोमाइक्रोन यहां पे आ गए और ये एक्सोसाइटोसिस करेंगे, इस तरह से एक्सोसाइटोसिस करेंगे और आपके लैक्टियल जो है उसके अंदर एंटर कर जाएंगे। एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस तो समझते हो क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस जब आपकी क्या होती है, कोई वेसिकल या कोई वैक्यूल जाकर चिपक जाती है सेल मेम्ब्रेन से, एंड देन डिसॉल्व हो जाती है उनके ऊपर की खुद की मेम्ब्रेन, और जो भी मटेरियल उनका बाहर निकल जाता है, वो वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है, वो कोई सिक्रेटरी मटेरियल भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, बाहर की तरफ निकलना। एंडोसाइटोसिस अंदर की तरफ लेना, सॉलिड हो या लिक्विड हो, फिर उसके चारों तरफ जो है एक मेम्ब्रेन माउंडेड हम बोलते हैं ना स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक मेम्ब्रेन की कोटिंग बना लेते हैं, और उसके अंदर होता है हमारा फूड होता है या कुछ भी हम बोलते हैं लिक्विड मटेरियल होता है, तो वो एंडोसाइटोसिस एक्टिविटी होती है, ये एक्सोसाइटोसिस है। तो एक्सोसाइटोसिस एक्टिविटी से अब लैक्टियल के अंदर एंटर कर गया, लैक्टियल के अंदर चला जाएंगे आपके ये काइलोमाइक्रोन और इसी फॉर्म में अब्सॉर्ब होंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका फैट है वो किस फॉर्म के अंदर अब्सॉर्ब हो रहा है, इनटू द लैक्टियल, तो आप क्या बोलोगे, काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में। कोई पूछ ले आपको कि भैया किस तरीके से अंदर एंटर किया एपिथीलियम की लाइनिंग में, तो क्या बोलोगे, सिंपल डिफ्यूजन होगा, मिसेल्स फॉर्म करेंगे, बाइल सॉल्ट उसको छोटे छोटे बुलबुले के फॉर्म में बना देता है, छोटे छोटे बुलबुले बना देगा इनके, जिसके अंदर फैटी एसिड ग्लिसरॉल आपके कौन से, ये आपके फैट सोल्यूबल विटामिन होंगे, और फैट सोल्यूबल विटामिन अब क्या करेंगे, एंटर कर जाएंगे किसके अंदर, लैक्टियल के अंदर एंटर कर जाएंगे। अब बोलोगे मैम लैक्टियल के अंदर चलेगी तो अब क्या होगा, तो ये देखिए अगर मैं आपको कहानी बताऊं, तो ये है आपकी एंड आपकी लाइनिंग, किसकी लाइनिंग है, ये आपकी इंटेस्टिनल इंटेस्टाइन जो है उसकी लाइनिंग है। अब मैं इसके अंदर बोल रही हूँ कि इसके अंदर क्या है आपका, ये लैक्टियल है, ये लैक्टियल है, लिम्फ वेसल है मैंने बना दिया। इसके अलावा मैं कह रही हूँ कि इनके पास में क्या है, इनके पास में ब्लड है, तो ब्लड की लाइनिंग हमें रेड कलर में दिखानी चाहिए, तो हम ग्रीन कलर में लाइनिंग दिखा देंगे, एपिथीलियम ये ऊपर दिखा दी हमने, ठीक है इस तरह से। तो ये बाहर वाली तो क्या है आपकी लाइनिंग है, ये ज्यादा बेटर रहेगा ना, ये तो आपकी क्या है लाइनिंग है, ये लाइनिंग बना दी हमने, ये आपकी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, ब्लड वेसल्स है, और ये आपका लैक्टियल है, ठीक है इस तरह से होता है। लेकिन ये जो लैक्टियल होता है ना, ये आगे जाता है, और आगे जाने के बाद में ये जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, ये क्या करती रहती है, कई सारी लिम्फ वेसल्स आके मिलेंगी और एक बड़े साइज की हम बोलते हैं ना कि लिम्फ वेसल जो है बन जाएगी, और ये जाने के बाद में वापस से आगे ब्लड वेसल्स जो होती है इन्हीं के साथ कनेक्ट करती है,
ये वापस आगे जाने के बाद में ये जो ब्लड वेसल्स होता है इसी स्ट्रीम के अंदर जाकर ये कनेक्ट करती है। तो ब्लड वेसल जब आगे जाएगी तो ये ओपन किस में हो रही है, इन्हीं ब्लड वेसल्स में ओपन हो रही है। तो लैक्टिन लेके तो आएगी फैट सोल्यूबल, आपके विटामिन को और फैट को लेके तो आएगी, लेकिन आगे जाकर ये वापस से क्या कर देगी, ये आपके ब्लड जो है मेन जो स्ट्रीम होता है उसी के अंदर उसको रिलीज कर देती है। होता यही है, बस इनका काम क्या है, ये यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कर रही है, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आपका एब्जॉर्प्शन काइलोमाइक्रोन का नहीं हो सकता। लार्ज साइज के मॉलिक्यूल होते हैं, अब डाइजेस्ट करके तो लेके आए थे, लेकिन अभी क्या कर दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अपनी कहानी कर दी और उनको ट्राइग्लिसराइड बना दिया। अब इस फॉर्म के अंदर वो ब्लड में तो नहीं जा सकते, तो इनको लैक्टियल क्या करेगी, खुद ले लेगी। लैक्टियल जो है एक्सोसाइटोसिस एक्टिविटी से खुद अपने अंदर ले लेगी और फिर से आगे जाके क्या करेगी, ब्लड स्ट्रीम के अंदर उनको एंटर कर देगी। तो पहुंचेगा अल्टीमेटली फैट कहां पे, अल्टीमेटली फैट जो है वो पहुंच जाएगा आपके अंदर ब्लड के अंदर ही। ठीक है, तो ये कहानी होती है फैट के एब्जॉर्प्शन की। क्लियर रखेंगे इस कहानी को? यस मैम। चलिए बहुत ही बढ़िया है। तो ये चीजें है ना कोई नहीं बताएगा, ये चीजें कोई नहीं बताएगा, इतना क्लियर, नीट एंड क्लीन, कोई नहीं बताएगा। इसको याद कर लो चीजों को, ये क्या है, ठीक है, इनको याद कर लो। अभी आपका ये तो ब्लड है, ये क्या करता है, ये ब्लड जो है ये तो सब जगह सप्लाई कर रहा है, हर टिश्यू को सप्लाई कर रहा है। तो होगा क्या, जो आपके एडिपोज टिश्यू हैं वो ब्लड के थ्रू क्या कर लेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा फैट होगा एडिपोज टिश्यूज उसको स्टोर कर लेंगे, और कुछ फैट जो होगा ब्लड स्ट्रीम के थ्रू चला जाएगा किसके पास में, लीवर के पास में। तो लीवर के पास में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो भैया आगे ये फैट जो है ब्लड के थ्रू ही सप्लाई होता है टिश्यूज को, जिसमें हम बोलते हैं कि कुछ एडिपोसाइट सेल, जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं उनकी सेल को एडिपोसाइट सेल बोलते हैं, वहां पे आपका स्टोर हो जाता है। और दूसरा हम बोलते हैं लीवर, लीवर के अंदर फैट जो है वो स्टोर हो जाता है। तो राइट, तो ये याद रखेंगे। तो पूरा जो है एब्जॉर्प्शन का काम लैक्टियल ने किया, लेकिन उसको आगे बाकी टिश्यूज को पहुंचाने का काम ब्लड स्ट्रीम ही कर रही है। उनका टारगेट ऑर्गन क्या होगा, एडिपोज टिश्यूज होगा एक्स्ट्रा फैट के लिए, और आपके स्टोरेज फैट के लिए आपका जो टारगेट टिश्यू है वो कौन से होंगे, वो लीवर होगा, लीवर जो है ऑर्गन, वो ऑर्गन होगा, तो लीवर तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आपके फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर है कहानी फैट के एब्जॉर्प्शन को लेके? यस। अब विटामिन के बारे में बात करें तो विटामिन जो है वो तो नॉर्मल जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो तो सिंपल डिफ्यूजन कर देंगे, वाटर सोल्यूबल जो है वो सिंपल डिफ्यूजन कर देंगे, आसानी से एब्जॉर्ब हो सकते हैं, उनकी कोई टेंशन नहीं है। विटामिन B12 जो है इसके एब्जॉर्प्शन के लिए, इसके एब्जॉर्प्शन के लिए हमें चाहिए होते हैं कैसल्स, यही इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वहां से ये रिलीज होते हैं। और कौन सी सेल है जो इनको रिलीज करती है, वो है आपकी ऑक्सिन्टिक सेल या फिर पैराइटल सेल जिनको आप बोलते हो, ये सेल जो है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करती है। तो ये वहां पर विटामिन B12 का ऑप्शन जो है वो करवा देंगे। तो याद रखेंगे जो सॉल्यूबल है, वाटर सॉल्यूबल जो विटामिन्स है वो आपके सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही क्या हो जाएंगे, अब्सॉर्ब हो जाएंगे और ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाएंगे। सिंपल डिफ्यूजन होगा इनका अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, वाटर जा रहा है वाटर की तरह, ये विटामिन्स भी जा रहे हैं क्योंकि वाटर सॉल्यूबल है ये, तो कोई टेंशन नहीं है, बस विटामिन B12 का आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है कहानी यहां पे? यस मैम। ओके यशवंत, नाउ तुम बैठे हो। यस मैम आ रहा है। महिमा वेरी गुड, काफी दिनों से देखा ही नहीं तुम्हारा। यस मैम यस मैम, चलिए बहुत बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है, तो एब्जॉर्प्शन के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके अलग अलग पार्ट में होता है, माउथ में होता है, स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी जेजुनम वाला हिस्सा जो है उसको याद कर लो, जेजुनम वाला हिस्सा जो है यहां पर आपको ज्यादातर अब्सॉर्प्शन देखने को मिलता है जो आपके मोनोमर यूनिट होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, इन सबका अब्सॉर्प्शन जो है वो आपको जेजुनम वाले हिस्से के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये आप याद रखेंगे। नाउ कौन सी चीज का कहां अब्सॉर्प्शन होता है उसको चार्ट के फॉर्म में याद करो। आपकी बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के अंदर हम बोलते हैं कि यहां पर जो अब्सॉर्प्शन होता है कुछ ड्रग्स का होता है। ड्रग्स कहां रखी जाती है, कई आपको ऐसी दवाइयां दी जाती है जिनको आपको टंग के नीचे रखने के लिए बोला जाता है क्योंकि वो इजीली वहां पर क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कुछ ड्रग्स होती है जिनका अब्सॉर्प्शन कहां होता है, आपकी बक्कल कैविटी के अंदर होता है। तो ड्रग्स का अब्सॉर्प्शन हो रहा है यहां पे, जिसको लोअर साइड के अंदर हम रख देंगे, याद रखेंगे इस चीज को। स्टमक के अंदर किसका होता है, तो देखिए आपने फूड को डाइजेस्ट किया कहां पे, किया बक्कल कैविटी में, आपने स्टार्ट कर दिया था शुगर का जो डाइजेशन हुआ था, तो शुगर का अगर डाइजेशन आपने अच्छे से खाया है, चबाया, अच्छे से किया, तो वो स्टमक में जाते ही थोड़ा बहुत
सिंपल शुगर अगर गई है तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो आपके स्टमक में ही हो जाएगा। तो स्टमक में क्या होता है, कुछ सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन होता है, ज्यादातर यहाँ पे आपको कुछ दवाइयों का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। तो शुगर, एल्कोहल, ड्रग, लेकिन स्टमक जो है दैट इज रिलेटेड विद द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, वहां पे ज्यादातर प्रोटीन डाइजेस्ट होती है, लेकिन डाइजेस्ट होते ही तो एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगी, तो उसका प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन आपको कहां देखने को मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल ऑर्गन है जहां पर एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहां पर ये आप कंप्लीट अगर एब्जॉर्प्शन लिखते हैं, चाहे वो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज लिखें, चाहे अमीनो एसिड लिखें, चाहे फैट लिखें, लिपिड जैसे आपके आपके जो फैटी एसिड है या ग्लिसरॉल है, उन सभी का, जो भी आपके नाइट्रोजन बेस वगैरह है, उन सभी का एब्जॉर्प्शन आपके कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से हिस्से के अंदर ज्यादातर देखने को मिल रहा है, आपको याद रखेंगे जेजुनम वाला जो हिस्सा है वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है। डुओडेनम वाला जो हिस्सा होता है, डुओडेनम इस हिस्से के अंदर क्या होता है, इस हिस्से के अंदर आपका ज्यादातर जो है हम बोलते हैं कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है, क्लोराइड आयन का एब्जॉर्प्शन होता है, ये डुओडेनम वाले हिस्से से होता है। तो ये क्वेश्चन आते हैं सीधे सटीक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक तो आपका जो विटामिन B12 है इसका एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, दूसरा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, कुछ ड्रग्स होती हैं, दवाइयां, उनका एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको ध्यान रखना है। माउथ में ड्रग्स का हो रहा है, स्टमक के अंदर शुगर का हो रहा है, एल्कोहल का हो रहा है, ड्रग्स का हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो अल्टीमेट सभी का डाइजेशन होता है, ज्यादातर जेजुनम हिस्से के अंदर होता है, कैल्शियम एंड क्लोराइड आपके डुओडेनम वाले हिस्से में क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, वाटर का एब्जॉर्प्शन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा इलियम वाले हिस्से में, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, और ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है विद विटामिन B12, उसका एब्जॉर्प्शन भी आपको लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही देखने को मिलेगा। यानी कैसा इंट्रिंसिक फैक्टर आपके स्टमक में रिलीज हुआ लेकिन वर्क कर रहा है यहां पर, और यहां आकर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवा रहा है। अल्टीमेटली ये इस तरीके से क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएगा फूड, एंड जब फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फूड जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फूड एब्जॉर्ब होने के बाद में एसिमिलेशन होगा उसका। तो भाई डाइजेशन कंप्लीटेड हियर एंड द फाइनल प्रोडक्शन ऑफ डाइजेशन ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड थ्रू म्यूकोसा विद द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, अगर इनका पूछे तो किसमें होता है एब्जॉर्प्शन, इनका लिम्फ वेसल्स यानी कि लैक्टियल के अंदर होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहां से क्वेश्चन बनता है सीधा, ऐसा कहानी आपको समझाइए, क्योंकि ये अलग अलग जगह पे आपके आते हैं ये सारी चीजें, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, ग्लैक्टोज के, अमीनो एसिड के, फ्रक्टोज के, क्वेश्चन भी आया हुआ नीट का एग्जाम का पेपर, प्रीवियस पेपर खोल के देख लेना, बट उसी को समझाने के लिए उसको मैंने यहाँ पे भी समझा दिया है, क्योंकि आप लोगों का दिमाग क्या होता है ना कि एक जगह अगर आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हो ना तो उसको कभी सेल मेम्ब्रेन के उस ट्रांसपोर्टेशन को कनेक्ट ही नहीं करते किसी और के साथ में। तो देखो यहाँ पर अगर आप सीधा सीधा पढ़ोगे एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, पैसिव हो रहा है, तो भैया कहानी इतनी मत पढ़ो, एक्टिव पैसिव कैसे होता है क्या होता है उसको भी पढ़ो, तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जहां पे आप इस इंपोर्ट एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे वहां पे जो आपको एग्जाम्पल दिए गए प्लांट फिजियोलॉजी में, तो कनेक्ट करके पढ़ो तब अच्छे से याद होंगे। अभी चलो आगे, अब आगे आगे बात करेंगे एसिमिलेशन के बारे में। अब जो एब्जॉर्ब फूड है, ब्लड हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू है, आपके जितने भी टिश्यूज है उनको फूड की सप्लाई कर देगा। जब फूड की सप्लाई वहां हो जाएगी तो उनका क्या होगा, उनका ग्रोथ में, रिपेयरिंग में यूज हो जाएगा। जैसे कि ग्लूकोज जाएगा तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है, ये सब भी क्या है, ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे, ये भी आपके क्या कर रहे हैं, ये आपके ऑक्सीडेशन प्रोसेस से एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, है तो मोनोसेकेराइड ना, तो इनसे भी क्या हो रहा है, आपका एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह से प्रोटीन है, तो प्रोटीन क्या करेगी, ये भी ग्रोथ एंड रिपेयरिंग में हेल्प करती है, तो प्रोटीन ग्रोथ एंड रिपेयरिंग के अंदर हेल्प करेगी। तो इसको आगे जाकर हम बोलते हैं ना डिफरेंट, हम बोलते हैं कि एनर्जी कंपाउंड का फॉर्मेशन या ग्रोथ एंड रिपेयर करवाना, किसी भी टिश्यू जो है उसके अंदर डेवलपमेंट करवाना, तो ये सभी क्या है, इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन हो जाएगा, जो खाया है भोजन उसका स्वांगीकरण हो जाएगा, आगे जाके फिर सबके अपने अपने मेटाबॉलिक हम बोलते हैं ना एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएगी। फिर आता है एक वर्ड डीफिकेशन। डीफिकेशन क्या है कि जो फूड हमने खा लिया, खाने के बाद में ऐसा फूड बच गया जो अनडाइजेस्टेड है, जिसको हम पचा ना पाए, है ना, ऐसा फूड जो एब्जॉर्ब भी ना हो पाया, अनअब्जॉर्ब फूड, ठीक है, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हम बोल रहे कोई भी डाइजेस्टिव हम बोलते हैं कि एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, बट वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, मिनरल्स एंड ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और वहां पर जो म्यूकस रिलीज होगा उसकी वजह से ये जो मटीरियल है ये कैसा हो जाएगा, लुब्रिकेट हो जाएगा, चिपचिपा सा हो जाएगा, ठीक है। अभी बोलोगे इसको कैसे इमेजिन करें, तो भैया सुबह सुबह जाते हो टॉयलेट में जाके इमेजिन क्या करना, सामने से देखो अपने, तो वो जो आपका चिपचिपा हो जाएगा, लुब्रिकेट हो जाएगा, ये जो फिकल मटेरियल है ये आपके रेक्टम के अंदर जाके इकट्ठा होगा, यहाँ रेक्टम में, और रेक्टम में इकट्ठा होने के बाद में यहाँ एनस जो होता है, यहाँ एनस, इस एनस के अंदर आपके पास में है मसल्स,
यहाँ पे मसल्स हैं, दोनों तरह की मसल है यहाँ पे, यहाँ पे आपकी स्मूथ मसल भी है और आपकी यहाँ पे स्ट्रिएटेड, जो आपकी स्ट्रिएटेड मसल है वो भी यहाँ प्रेजेंट है। यानी स्मूथ मसल तो इनवॉलेंट्री एक्शन करेगी और स्ट्रिएटेड वॉलेंट्री एक्शन करेगी। तो ऐसा होता है ना, जब फूड आपका क्या होगा, फिकल मटेरियल आपके रेक्टम भाग में इकट्ठा होगा तो एक प्रेशर क्रिएट होगा, वो प्रेशर क्रिएट होता है तब क्या होता है, सुबह सुबह उठते हो फिर मम्मी कहती है कि मुंह धो। अरे काहे का मुंह धो, पहले टॉयलेट खोलो, टॉयलेट नहीं खुलेगा तो क्या होगा, अपने आप बाहर आ जाएगा, अपने आप कैसे बाहर आ सकता है। तो भैया स्ट्रेटेड मसल है ना, तो जो कंट्रोल करेगी, जो आपके उसमें होता है, तभी तो आता रहता है, क्योंकि वो स्मूथ मसल जो है ना उसको तो मिल गया, उसको तो एक्शन करने के लिए स्टिमुलस मिल गया, कि जैसे रेक्टम फुल हुआ स्मूथ मसल तो लगी है कॉन्ट्रेक्शन करने के लिए, तो वो क्या होता है, अंदर से प्रेशर लग रहा होता है आपको, ओए माँ ए बाथरूम खोलो। और स्ट्रेटेड मसल क्या करके रखती है, एकदम टाइट से पकड़ के आप उसको रोक के ऐसे खड़े रहते हो, क्योंकि वहां पे स्ट्रेटेड मसल है, नहीं निकालेंगे, कितना भी स्मूथ मसल काम कर ले नहीं निकालेंगे। और जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खुला, खाली मिला, पहुंचे डब्ल्यूसी के पास, और स्ट्रेटेड मसल आपकी एक्शन से काम करेगी, एंड देन वो जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है उसका क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा, एनस के थ्रू वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो देखो एक चीज आपको बोली जाती है कि डाइट्री फूड जो होता है उसके अंदर आप क्या करो, ज्यादातर जो है वो आप फाइबर्स को लो। रीजन क्या होता है, क्योंकि आप प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कच्ची सब्जियां वगैरह खाने के लिए बोला जाता है ना, उनके अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है, सेलुलोज का आपके अंदर डाइजेशन नहीं होता, तो वो जो सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता तो वो रफेज बन जाता है ना, ऐसा कचरा जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए। अब जितना ज्यादा रफेज होगा आपके उसके अंदर फिकल मटेरियल के अंदर, तो उतना ही क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा आपका वो, हम बोलते हैं ना कि सॉलिडिफाई हो जाएगा आपका जो ये आपका फिकल मटेरियल है, और जितना उसके अंदर रफेज होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर लगेगा रेक्टम पे, तो आसानी से आप स्टूल जो है उसको पास कर दोगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप जो फूड लेते हैं उसके अंदर ज्यादातर सलाद खाएं, है ना, सलाद इसीलिए बोला जाता है। तो भैया डिफिकेशन हो जाएगा, आप जितना भी जो आपका मटेरियल है उसको बाहर निकाल देंगे तो कहानी ऐसी होगी। और ये जो पूरा हम बोलते हैं ना कि इनिशिएशन जो होता है वो न्यूरल रिफ्लेक्स होता है। न्यूरल रिफ्लेक्स क्यों बोला, क्योंकि जैसे ही रेक्टम फुल होगा तो वॉल से स्टिमुलस मिल जाएगा आपके न्यूरल सिस्टम को, एंड देन वो स्मूथ मसल पे काम करेगी। रेक्टम जैसे ही फ्री हो जाएगा, मसल्स कंट्रेक्शन करना छोड़ देगी, तो आप क्या हो जाओगे, रिलैक्स फील करोगे और एक लंबी सी सांस भर के क्या करोगे, वॉशरूम से बाहर आ जाओगे। तो ये हो गया भैया, फिकल मटीरियल बाहर निकल गया है। यस यस, चलिए बिल्कुल। अभी देखो ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा है, इजेशन ऑफ फिकस, जिसको हम एनएस के थ्रू बाहर निकालते हैं, ये हमारा वॉलेंट्री प्रोसेस है, बिल्कुल है। और ये जो मूवमेंट होता है इसको हम बोलते हैं वही पेरिस्टेलिक मूवमेंट है, जिसकी वजह से वो बाहर आता है, वो जितना भी फिकल मटेरियल है वो पेरिस्टेलिक मूवमेंट की वजह से ही बाहर आएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी क्वेरी आपकी नहीं रहेगी। नाउ द हॉर्मोनल पोर्शन, हॉर्मोन वाला पोर्शन देख लेते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हॉर्मोन्स, कि कौन कौन से हॉर्मोन है जो हमारे डाइजेस्टिव ये पूरा जो सिस्टम है उसको काम करवाया, ठीक है ना। ये पूरी कहानी जो है ना सारी हो गई, फिकल मटीरियल भी हमने निकाल दिया, ये सारा चीजें हो चुकी है। नाउ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हॉर्मोन यानी हमारे डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है इसके अंदर कुछ हॉर्मोन्स जो है वो भी रिलीज होते हैं, क्योंकि केवल न्यूरल कंट्रोल नहीं है यहाँ पे, केवल न्यूरल कंट्रोल नहीं है यहाँ पर, हम बोलते हैं हॉर्मोन्स का भी कंट्रोल होता है जिसकी वजह से डाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो देखो न्यूरल कंट्रोल के लिए तो हमने बता दिया कई तरह के प्लेक्सेस वगैरह हैं, और कैसे होगा, जैसे कि खाना सामने आया, एक प्लेट सजी है जिसमें आपके फेवरेट फूड है, सोच के देखो फेवरेट फूड, अगर उसमें पाव भाजी रखी है, ओहो छोले भटूरे रखे हैं गरम गरम, साथ में रखा है दही, होता है क्या, खुशबू आती है छोलों की, और जैसे ही स्मेल आती है, स्मेल आती है ना, और जैसे वो आपको नजर आता है, दिखने लगता है, कई बार होता है फोटोग्राफ्स में देखते हो अच्छे अच्छे फूड, तो अपने आप मुंह में पानी आने लगता है। वो मुंह में पानी क्या है, वो आपकी सेलिवरी ग्लैंड ने अपना सिक्रीशन कर दिया है, तो किसके कंट्रोल में है, वो स्टिमुलस आपको देख के मिला, उसको आपको स्मेल करके वो स्टिमुलस मिल गया, ठीक है ना, फूड की प्रेजेंस आपके सामने थी, उसको देख कर ही आपके मुंह में पानी आ गया, तो सेलिवरी ग्लैंड जो है वो क्या कर रही है, वो स्टिमुलस ले रही है, और आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या हो रहा है, आपके सेलिवरी ग्लैंड जो है उनको मिल रहा है क्या, काम करने का आदेश, कि भैया तुम अपना सिक्रीशन अब कर दो। तो भैया सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो तो न्यूरल कंट्रोल में है, सलाइवा को सिक्रीट कर दिया, फूड को आपने मुंह में रखा तो वो क्या कर देंगी, सलाइवा को सिक्रीट कर देंगी, यहां काम पे हो जाएगा। यहां पे पूरा बक्कल कैविटी के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड है वो किसके कंट्रोल में है, वो न्यूरल के कंट्रोल में है, नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन जो अंदर है ईसोफेगस के बाद में जो स्टमक से लेकर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम आ रहे हैं उनका कंट्रोल कौन करता है, तो उनके कंट्रोल करने के लिए सिक्रीशन के लिए हम बोलते हैं कि न्यूरल सिग्नल तो मिलते ही मिलते हैं, और न्यूरल सिग्नल के साथ में वहां पे हॉर्मोन
आईफोन रिलीज होते हैं, ये क्वेश्चन है, क्लियर कट दिमाग में पिक्चर बना के रखना अपने। हाँ भैया, पिक्चर दिमाग में बना के रखना कि बक्कल कैविटी कंप्लीटली न्यूरल कंट्रोल में है, सलाइवा सिक्रीट कर रही है ना बक्कल कैविटी की सलाइवरी ग्लैंड, देखते ही पानी आ गया, कोई हार्मोन की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर जो इंटेस्टाइन के अंदर गैस्ट्रिक जो आपकी ग्लैंड है, इन सबका सिक्रेशन हार्मोनल कंट्रोल में होता है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। और हमारी जो मस्कुलर एक्टिविटीज हो रही है पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में, दैट इज इन कंट्रोल ऑफ न्यूरल, है ना, वो भी न्यूरल कंट्रोल है। हाँ, वो भी आपका नर्वस सिस्टम ही उनको कंट्रोल कर रहा है। अब नाउ हॉर्मोन्स देखेंगे कि कौन कौन से हॉर्मोन काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टमक के अंदर, सबसे पहले बात करेंगे स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर आए, ये रीजन है कौन सा, पाइलोरिक रीजन है। तो पाइलोरिक रीजन के अंदर हॉर्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम होता है गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन इसको यहां पे प्रेजेंट जी सेल्स जो होती हैं वो इनको रिलीज करवाती हैं। तो गैस्ट्रीन जो होता है वो क्या करता है, फूड आया स्टमक में, उसको मिला स्टिमुलस, जैसे उसको स्टिमुलस मिला कि भैया भोजन आ गया, बोलस आ गया, तो भैया क्या करेंगे, अब हमें चाहिएगा गैस्ट्रिक जूस, ताकि क्या हो सके, HCl सिक्रीट हो सके, आपके पेप्सिन जो हार्मोन है वो आ सके, डाइजेशन वहां पे स्टार्ट हो सके। तो उसके लिए गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन के लिए ये गैस्ट्रीन हार्मोन रिलीज होता है, खुद का खुद पर ही क्या कर देता है, पॉजिटिव इफेक्ट कर देता है और जूस को सिक्रीट करवा देता है। तो पहला काम तो यहीं पे हो गया। तो ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक जो आपका जूस है, जूस उसको सिक्रेट करवा देगा, कौन, गैस्ट्रीन हार्मोन। पाइलोरिक ग्लैंड जो आपकी ग्लैंड है उसकी जी सेल इसको सिक्रेट करती है। तो गैस्ट्रिक जूस आया, HCl एन आपका पेप्सिनोजन या फिर प्रोरेनिन, ये सभी अपना काम करने यहां पे लग जाएंगे, डाइजेशन यहां पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पहली कहानी गैस्ट्रिक जूस की हुई, ठीक है। अभी बोलोगे कि फूड डाइजेस्ट हो गया, चलिए HCl ने अपना काम कर दिया, पेप्सिनोजन ने अपना काम कर दिया, काइम बन गया। जब काइम बनेगा तो काइम कहां जाएगा, डुओडेनम हिस्से में, तो भाई पहुंचा दो डुओडेनम हिस्से के अंदर, ये डुओडेनम में आ गए। जब डुओडेनम हिस्से में आएंगे तो यहां पे तो आपको कई जगह का सिक्रीशन मिलेगा, एक तो आपका बाइल का और दूसरा आपका पैनक्रियास का। तो ये एम्पुला खुल रही है, तो डुओडेनम के अंदर जो इसकी पूरी लाइनिंग है, पूरा जो हम बोलते हैं डुओडेनम की जो लाइनिंग है, केवल डुओडेनम हिस्से की बात कर रहे हैं, तो जो डुओडेनम की जो ये लाइनिंग है, यहां पर आपको देखने को मिलती है क्या, कुछ ऐसी सेल जो रिलीज करती है जीआईपी। ये जीआईपी क्या है, इसको हम बोलते हैं, ये है आपका एंटेरोगैस्ट्रोन बोलो, या फिर इसको गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड बोलो। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड वर्ड से ही समझ जाओ, गैस्ट्रिक का मतलब हो गया स्टमक के एंजाइम, इनहिबिशन का मतलब हो गया रोक देना, पेप्टाइड का मतलब प्रोटीन हार्मोन है, राइट। तो ये गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या कर रहा है, ये आपके गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को रोक रहा है। ये बोल रहा है कि भैया वो तो हो गया, खाना तो तुमने हमारे पास भिजवा दिया, अब तुम क्या करोगे, पाचन किसका, डाइजेशन करोगे, तुम्हें डाइजेशन की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम बंद कर दो। तो इस काम को बंद करवाने के लिए डुओडेनम वाले हिस्से से, याद रखेंगे मैंने केवल डुओडेनम वाले हिस्से की बात करी है, तो डुओडेनम वाला जो ये हिस्सा है, डुओडेनम वाला हिस्सा, इनके अंदर हम बोल रहे हैं कि ये जीआईपी एंटेरोगैस्ट्रोन रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेशन को रोक देता है। चलो, हो गया काम खत्म उनका, बिल्कुल। अभी देखो डुओडेनम के अंदर क्या आएंगे, डुओडेनम वाला हिस्सा है आगे, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला हिस्सा है पूरे के अंदर, जेजुनम इलियम वाला जो स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, यहां पे तो कौन है, क्रिप्स ऑफ लिबरकन है, वो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट कर रही है, पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है, बाइल आ रहा है, ये तीनों कब आएंगे और इन तीनों का सिक्रेशन कौन से हार्मोन के कंट्रोल में, आगे बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है ना। तो देखो आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है ना, यहां से कुछ हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं, जिनका एक का नाम तो क्या है, ये आपका कॉलीसिस्टोकाइनिन, CCK, या फिर इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप पैनक्रियोजाइमिन भी बोलते हो, इसको आप क्या बोलते हो, पैनक्रियोजाइमिन, ठीक है, पैनक्रियोजाइमिन, ये भी आप इसको बोलते हो। ये सीसीके और पैनक्रियोजाइमिन एक ही हार्मोन का नाम है, एक ही हार्मोन है ये। ये कहां से रिलीज हो रहा है, ये भी सिक्रीट हो रहा है आपके, कहां से, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम वाले हिस्से से रिलीज हो रहा है, ये भी डुओडेनम वाले हिस्से से आ गया। बट इसका टारगेट कौन है, इसका टारगेट होता है गाल ब्लेडर, एक तो गाल ब्लेडर है और दूसरा आपका पैनक्रियास इसका टारगेट है, दोनों इसके टारगेट है, ताकि सिक्रीशन हो सके डुओडेनम वाले हिस्से के अंदर, किसका, एक तो बाइल का सिक्रीशन हो सके और दूसरा पैनक्रियाटिक जूस जो है उसका सिक्रीशन हो सके, ताकि डाइजेशन हो, क्योंकि पहले तो यही काम करेंगे ना, फैट के ऊपर काम करेंगे, प्रोटीन आ रही उस पर काम करेंगे, न्यूक्लिक एसिड आ रहे हैं उन पर काम करेगा पैनक्रियाटिक जूस। तो ये जो सिक्रीशन हो रहा है बाइल का और पैनक्रियाटिक जूस का, इनका सिक्रीशन करवा रहा है कौन, ये कॉलीसिस्टोकाइनिन एंड पैनक्रियोजाइमिन। तो केवल यही यहां पर सिक्रीट नहीं हो रहा है, इसके साथ में यहां पर एक और सिक्रीट होता है जिसका नाम होता है सिक्रेटिन। ये सिक्रेटिन हार्मोन जो है ये भी इंटेस्टिनल जो लाइनिंग होती है यहीं से सिक्रीट होता है। ये फर्स्ट हार्मोन है जिसको डिस्कवर किया गया था, सिक्रेटिन। लेकिन इसका काम क्या है, इसका काम
समझो, ये सिक्रेटिन क्या कर रहा है, ये एक तो जीआईपी के साथ में मिलकर गैस्ट्रिक जूस है उसके सिक्रेशन को रोकने का काम कर रहा है, बाइल को सिक्रेट तो करवा रहा है एससीसी के, बाइल को सिक्रेट करवाने का काम क्या कर रहा है एससीसी के कर रहा है, इसको इसके सिक्रेशन को इंक्रीज करने का काम कौन करेगा, सिक्रेटिन करेगा, इसके सिक्रेशन को इंक्रीज करने का कि भाई बढ़ा दो हमें ज्यादा चाहिए, हमने फैट खूब खाया है तो भैया बढ़ा दो, तो सिक्रेटिन क्या करता है बाइल जूस के सिक्रेशन को इंक्रीज कर देता है, सिक्रेट कौन करवाता है सीसीके करवाता है, ठीक है, पैनक्रेटिक जूस को सिक्रेट कौन करवाता है सीसीके करवाता है, सिक्रेटिन क्या करता है ये कहता है कि भैया इसके अंदर हमारे पास में बाइकार्बोनेट जो सॉल्ट आ रहे हैं वो सॉल्ट जो है उनको इंक्लूड कर दो, तो बाइकार्बोनेट सॉल्ट जो है पैनक्रेटिक जूस के साथ में आए ताकि एल्केलाइन मीडियम बने, तो ये बाइकार्बोनेट आयंस जो है ये पैनक्रेटिक जूस में है, इसके सिक्रेशन को कंट्रोल करता है सिक्रेटिन, तो दोनों का टारगेट ऑर्गन कौन है, टारगेट वही है गाल ब्लेडर है और पैनक्रियाज है, सीसीके का भी और सिक्रेटिन का, बट दोनों का काम अलग है, काम याद रखना, सीसीके बाइल को सिक्रेट करवाएगा पैनक्रेटिक जूस को सिक्रेट करवाएगा, जबकि सिक्रेटिन क्या करेगा बाइल जो जूस है सॉरी बाइल जो है उसके सिक्रेशन को इंक्रीज करवाएगा और आपके बाइकार्बोनेट आयन को सिक्रेट करवाएगा पैनक्रेटिक जूस के साथ में कि भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो वो आगे आगे तो क्या करेंगे डाइजेशन का काम करेंगे, कर लिया भैया अपना डाइजेशन, फूड अपना डाइजेस्ट हुआ अगर अब्जॉर्ब हो गया आगे की कहानी, डाइजेशन करने के लिए फूड ही नहीं है, अब जब डाइजेशन करने के लिए फूड नहीं है तो पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन हमें नहीं चाहिए तो उसको रोकने वाला भी तो कोई होना चाहिए, तो पैनक्रियास के खुद के अंदर ही, यहां पे पैनक्रियास के खुद के अंदर ही होती है पीपी सेल जो पॉलीपेप्टाइड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को रिलीज करती है, किसको रिलीज करती है भैया ये देखेंगे, ये रिलीज करती है आपके पैनक्रियाटिक पॉली पेप्टाइड, ये हार्मोन जो है ये क्या करता है ये पैनक्रियास के जूस के जो रिलीज हो रहा है उसके रिलीज को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है कि भैया बस बहुत हो गया तुम्हारा काम अब मत करो रोक दो अपने काम को, तो पैनक्रियाटिक जूस का जो है सिक्रेशन उसको रोकने का काम करती है खुद पैनक्रियास के पास में है कि भैया जो दे रहा होगा वही रोकेगा, मम्मी के पास में है भैया पैसा खूब सारे, अब पापा बोलते हैं कि भैया मेरी बहन को दे दो तो मम्मी जो है दिए जाती है फिर सोचती है कि यार वो ज्यादा ही दे दिया, ये नहीं है कि फायदा उठा रही है ननंद ननंद है तो भैया रोक दो, तो थोड़े टाइम के बाद में क्या करेंगे पैसा देना रोक देंगे, तो खुद ही करती है कंट्रोल करने का काम, पापा तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पापा को तो लगेगा दो 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 भाई दो, तो भैया वैसे ही है पैनक्रियास खुद तो क्या करता जाए भाई सीक्रेट करो 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 करो, लेकिन उसको रोकने का काम कौन करेगा भैया, पैनक्रियास खुद ही सोचेगा कि नहीं भैया हमारा काम तो बहुत हो गया अभी रोको रोको, तो पीपी सेल है इनके पास में तो जो क्या करती है पीपी सेल यहाँ पे अपने सिक्रेशन को रोक देती है, कहानी रुक जाएगी, यस पीपी सेल यहाँ पे क्या कर रही है ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है सिक्रेशन को रोक देंगे, तो हो गया काम यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस का किसका आपके कोलेसिस्टोकाइनिन का बाइल के ऊपर, अभी बोलोगे भैया मैम स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस ये कौन करेगा, तो देखो आपके जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है वहां से एक और हार्मोन रिलीज होता है दैट इज एंटेरोक्राइनिन, एंटेरोक्राइनिन ये क्या करता है ये इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल जूस जो है इसको सिक्रेट करवाता है इंटेस्टाइनल जूस को, तो एंटेरोक्राइनिन ये काम करता है ये करेगा इसको रोकने का काम, एंटेरोक्राइनिन इंटेस्टिनल जूस को सिक्रेट करवाएगा और सिक्रेट होगा तभी स्मॉल इंटेस्टाइन अपना काम कर पाएगी, और ये एंटेरोक्राइनिन भी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की पूरी लाइनिंग के अंदर जो सेल्स होती है वो इसको रिलीज करती है ताकि क्रिप्ट ऑफ लिबरकन जो है इंटेस्टिनल जूस को सिक्रेट करे और डाइजेशन प्रोसेस हो, ठीक है ये यहाँ पे काम होगा, अब बोलोगे कि मैम पीपी सेल ने तो पैनक्रियास की जूस को रोक लिया फिर इसको कौन रोकेगा, तो भैया एक चीज बताएं आपको हर जगह आपको देखने को मिलेगा आपको गैस्ट्रिक जो आपका हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जो आपकी ग्लैंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर एक सेल होती है जिनका नाम होता है अर्जेंटाफिन, अर्जेंटाफिन सेल, ये अर्जेंटाफिन सेल जो होती है ये भी पाइलोरिक रीजन में ही प्रेजेंट होती है, पाइलोरिक जो रीजन है वही प्रेजेंट है ये अर्जेंटाफिन सेल, इसके साथ में इसी तरह की कुछ सेल आपको इंटेस्टाइन के अंदर और पैनक्रियास के अंदर देखने को भी मिलती है, ये एक्चुअल में किसको रिलीज करती है ये रिलीज करती है सोमेटोस्टेटिन, ये सोमेटोस्टेटिन जिसको एसएस करके भी लिखते हो ये सोमेटोस्टेटिन है जो किसी भी तरह के सिक्रेशन को रोक देगा, ये गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को भी रोकता है पैनक्रेटिक जूस के सिक्रेशन को भी रोकता है और हम ये बोलते हैं कि ये जो आपके और हमारे हार्मोन है जो जितने भी और बाकी के हार्मोन रिलीज हो रहे हैं ना जैसे कि गैस्ट्रिक गैस्ट्रीन है या फिर आपके जितने भी पैनक्रेटिक जूस के हैं हार्मोन है या फिर आपके इंटेस्टाइन के हैं मतलब उनके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर प्रेजेंट जितने भी आपके हार्मोन एंजाइम की एक्टिविटी हो रही है इनको रोकने का काम करता है सोमेटोस्टेटिन, तो ये उनको रोक देगा, फिर बोलोगे मैम एब्जॉर्प्शन कौन करवाएगा, तो एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए यहाँ पे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है विलिकिंस, विलिकिंस जो होता है वो क्या करता है वो आपके विलाई के मूवमेंट को बढ़ा देता है, विलाई का जितना मूवमेंट होगा उतना ही क्या होगा
फास्ट जो है एब्जॉर्प्शन होगा। तो एक्चुअल में ये काम जो है एब्जॉर्प्शन के लिए विलिकिन करता है, विलिकिन केवल विलाई के मूवमेंट को बढ़ाएगा। अब ऐसा होता है ना कि अगर आपने छलनी है, छलनी लिया, छलनी के अंदर आपने कोई जूस डाला, ठीक है, जिसका जूस निकाला, पल्प भी है उसके अंदर, तो आप उसको ऐसे छानते रहो, छने गए नहीं। लेकिन जैसे आप अपनी अंगुलियां लोगे और अंगुलियों लेके उसको ऐसे ऐसे हिलाओगे हिलाओगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जूस जो है नीचे छनने लगेगा, पल्प ऊपर रह जाएगा, होगा कि नहीं? ऐसा ही होता है, आपने फूड लिया, फूड को डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट किया, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा, विलाई प्रेजेंट है वहां पे, विलाई क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, मूवमेंट करेगी तो क्या होगा, जो सोल्यूबल फॉर्म है वो तो सारी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जो फिकल मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड फूड है, जो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, वो सारा का सारा आपके क्या रह जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रह जाएगा, जो आगे चले जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा, बच जाएगा क्या, सॉलिडिफाई आपका फिकल मटेरियल सॉलिडिफाई हो जाएगा, क्योंकि वाटर भी अब्सॉर्ब कर लिया, लार्ज इंटेस्टाइन है, मैक्सिमम वही अब्सॉर्ब करता है। तो विलिकिंस जो है ये हार्मोन, ये क्या कर रहा है, विलाई के मूवमेंट को बढ़ा रहा है, जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतना ही अच्छा अब्सॉर्प्शन होगा, ऐसा ही होता है। तो छलनी के अंदर अपने हाथ के मूवमेंट को याद कर लेना, याद रह जाएगी ये कहानी भी, ठीक है? यस मैम, वेरी गुड। तो ये कुछ हार्मोन है जो एक्टिविटी करते हैं, और इस तरीके से क्या होता है, हार्मोनल हम बोलते हैं, कंट्रोल के अंदर रहता है आपका डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है? तो ये सारा का सारा था आपका। फिर देखिए, जो आपने डाइजेस्ट किया, इसके बारे में हमने वैसे इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड अगर टूटता है तो क्या मिलते हैं, कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, चीपेस्ट सोर्स है, सबसे सस्ता सोर्स है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, 1 ग्राम के लिए 4 किलो कैलोरी, कितनी होती है, 4 किलो कैलोरी होती है, एनर्जी हमें इतनी देता है कौन, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन के बारे में बात करोगे तो प्रोटीन से हमें कौन से कंपाउंड मिल रहे हैं भैया, इस कंपाउंड से हमें क्या क्या मिल रहा है, कार्बन मिल रहा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसी के बारे में मॉलिक्यूल है, इसका हम बोलते हैं मोनोमर कौन है, अमीनो एसिड इसका मोनोमर है। 1 ग्राम प्रोटीन के कंजप्शन से हमें कितना मिलती है वैल्यू, हमें मिलती है एनर्जी 4 किलो कैलोरी, हमें वैल्यू यहाँ पे मिलती है 4 किलो कैलोरी, ये एनर्जी जो है ये हमें मिलती है, कैलोरीफिक वैल्यू है। फैट एंड लिपिड इसके बारे में बोलेंगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला फूड यही है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का सोर्स है, बिल्कुल है भाई। और ये जो है अगर हम देखेंगे तो ज्यादातर जो भी आप बटर खाते हो, ऑयल खाते हो, नट्स खाते हो, फिशेस खाते हो, इन सभी के अंदर आपको फैट एंड लिपिड मिल सकता है, मैक्सिमम एनर्जी दे रहे हैं 9.5 किलो कैलोरी, ये जो है एनर्जी हमें मिलती है 1 ग्राम फैट से, 1 ग्राम फैट से हमें इतनी एनर्जी जो है मिलती है। तो ये तो हमने कहानी वैसे इंट्रोडक्शन के टाइम पे भी कर ली थी, एक रिव्यू आपको दे दिया है, कल हम पूरा डिसऑर्डर वाला पोर्शन करेंगे, विटामिन करेंगे, और कल हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया जो कोई भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से एक तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, पीडीएफ डाउनलोड करना, मैंने सारे पीडीएफ भेज दिए थे, रूबी सारे पीडीएफ मैंने भेज दिए थे कल रात को, जाके चेक कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, पूरा मिल गया, और आज का ये वाला जो है ये भी हम वहां पे शेयर कर देंगे। लाइक एंड शेयर करना मत भूलना सेशन को, और आज इवनिंग में 6 to 7 ब्रीथिंग वाला जो चैप्टर है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये जो चैप्टर है इसके हम एमसीक्यू करने वाले हैं, इसके हम एमसीक्यू करेंगे 6 to 7 स्पेशल क्लास के अंदर, फ्री में ही एनरोल करना है, कोड अप्लाई करना है व्यास, VYAS व्यास, व्यास कोड अप्लाई करके ये क्वेश्चन जो है मेरे साथ में कर सकते हो आप, 6 to 7 एमसीक्यूज है बच्चा, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करेंगे, एक चैप्टर पूरा आपका हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा एक और चैनल है जिसका नाम है अनरेवल नीट, ये देखिए ये YouTube चैनल है, अभी हम लोगों ने लॉन्च किया आप लोगों के लिए बच्चा, हम वहां पे क्या कर रहे हैं, हम वहां पे आप लोगों के, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए MCQs का एक हम बोलते हैं ना डाटा बैंक तैयार कर रहे हैं, जहां पर क्या होगा, पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में हम वहां पे जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो आपकी फेमस बुक है MCQs की, उनके सोल्यूशन लेके आएंगे, वीडियो सोल्यूशन रहेंगे वहां पे, और फिर हम प्रैक्टिस पेपर भी करेंगे वहां पे, मतलब आपके पास में MCQs के नाम पे अगर अनरेवल नीट जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लिया तो बस उसके बाद आपको सारी चीजें वहीं अवेलेबल हो जाएगी। ये हमने परसों ही सेकंड जुलाई को हमने ये चैनल लॉन्च किया है, तो वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे सारे बायोलॉजी के प्रैक्टिस पेपर, सब अवेलेबल होगा, अभी से ज्वाइन कर लो, मेरे साथ साथ में वहां पे आपका सॉल्यूशन भी होता रहेगा। अभी हमने वहां पे प्रीवियस ईयर डिस्कस कर लिया है लिविंग वर्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, आज वहां पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के PYQ भी हो गए हैं, कल वहां पे होंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर के, तो आपको क्या करना है, बस जुड़ जाना है हमारे साथ में, ठीक है? तो भैया जुड़ जाएंगे वहां पे, और ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, बिल्कुल पढ़ते रहना बहुत जरूरी है।
विटामिन B12 का क्या रोल है बच्चा? विटामिन B12 जो होता है उसको हम बोलते हैं साइनोकोबालामिन, और ये जो विटामिन होता है ये RBC को मेच्योर करने के अंदर हेल्प करता है। कल हम लोग विटामिन वाला पोर्शन भी करेंगे बच्चा, क्योंकि डाइजेशन के अंदर विटामिन हम यही पढ़ेंगे, तो विटामिन वाला पोर्शन भी करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बच्चा। और हाँ भाई, मेरे प्रोफाइल को फॉलो करना मत भूलना। सारे जितने भी बच्चे यहाँ पे 2023 के बैठे हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरा प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं, सारा का सारा देखो सब करवा रही हूँ एकदम सिक्वेंस के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई बीच में झोल नहीं है, एकदम पूरा सिलेबस होगा हमारा। और लेकिन उसके लिए क्या करना है, स्पेशल क्लास के लिए आपको जाके मुझे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि MCQ वहां पे डिस्कस कर रही हूं। दोनों जगह काम इसीलिए हो रहा है ताकि एक साथ में आपको हर चीज अवेलेबल हो जाए। बहुत मेहनत के साथ स्ट्रेटेजी प्लान करके सारा का सारा आपका पूरे साल का हमने सिलेबस तैयार किया है, तो अगर आप चाहते हो उसका बेनिफिट उठाना तो आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरा नीचे दिया गया जो लिंक है वहां पे जाके फॉलो करो, टेलीग्राम पे भी फॉलो करो। जैसे फॉलो करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैम क्या कर रही है, और मेरे साथ साथ चलोगे अल्टीमेटली मैं आपको गारंटी दे रही हूँ 101% आपका सिलेबस पूरा होगा, ये मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, प्लस अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो बच्चा बहुत अच्छा टाइम है, अभी ले लो, व्यास कोड अप्लाई करो, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। और देखो वहां पे हम लोगों ने सेल डिस्कस कर लिया, और अभी एनिमल टिश्यू हम वहां पे कर रहे हैं, एनिमल टिश्यू। और सबसे बेस्ट ये रहता है बच्चा, आपके छोटे छोटे डाउट्स भी होते हैं ना, एक छोटा छोटा डाउट भी होता है तो आप लोग मुझसे चैट बॉक्स में या फिर हैंड रेस करके, मतलब पूछ के बोल के खुद ही अपना, है ना, हमारा कम्युनिकेशन होता है, आप वहां से बोलते हो मुझे क्या सुनाई देता है, एक तरह से टेलीफोनिक हो गया, तो आप हैंड रेस करके मुझसे वहां पे क्वेरी कर लेते हो तो उसका आंसर आपको मिल जाता है। तो प्लस के अगर आपको रियल में नीट की तैयारी करनी है ना, मतलब आपको, तो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए आप लेके, और आपको हमें हमारे साथ वहां पे पढ़ना चाहिए, क्योंकि नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। हर 3 क्लास के बाद में हम डाउट सेशन लेते हैं, तो डाउट सेशन में सोचो कितने डाउट क्लियर हो जाएंगे, फिर खुद बोल के पूछ सकते हो। कई बार क्या होता है चैट बॉक्स में लिख देते समझ ही नहीं आता, तो वो भी आप कर सकते हो। तो बच्चा बेस्ट टाइम है ज्वाइन करने का, ज्वाइन कर लो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।